गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। क्लास 12th की जो आपकी फर्स्ट बुक है हिस्ट्री की, वो हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड बुक में चैप्टर 6 पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन। इसमें हम चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, जो कि आपके चैप्टर के नाम में ही लिखा है, हम उसके बारे में इसमें सब डिस्कस करेंगे। ये टाइम पीरियड 8th से लेके 18th सेंचुरी के बीच का होगा, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर 4 किया था, उसमें हमने बुद्धिज्म, उसमें हमने जैनिज्म और उसमें हमने कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की भी बात की थी। हमने देखा था कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स इमर्ज हो रहे थे। तो ये चैप्टर उससे थोड़ा आगे आपको भक्ति सूफी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, आपको आगे कनेक्ट करेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस करवाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर 6। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी कि चैप्टर 4 में हमने देखा था कि काफ़ी नए नए रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमने स्तूपास, जो हमने पूरा डिस्कस किया था कि कैसे आसपास एक बाउंड्री बनाई जाती है, पिलर्स पे नाम लिखे जाते हैं, हमने वो पूरी की पूरी डिस्कशन की थी। मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, टेम्पल्स हमने देखा था कि स्ट्रक्चर पहले छोटा सा स्ट्रक्चर था, फिर वो बाद में बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स और बिलीव्स, लोगों के आइडियाज, प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो नए टेक्सचुअल सोर्सेस जो कि इस पीरियड के, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं, उसमें अवेलेबल हैं, वो सोर्सेस हैं पोएट सेंट्स, जो कि पहले ओरली रिलीजन लैंग्वेज, जो भी वहाँ के ऑर्डिनरी लोग भाषा बोलते थे, उसमें वो पोएम्स गाया करते थे। ये थोड़ी म्यूजिकल होती थी और हमें उनसे काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं। जो सीन्स होते थे, उनके जो भक्त हो गए, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, जो उनके डिवोटी होते थे, क्योंकि तब जब ये पोएट्स या सीन्स पोएम गाते थे, बेसिकली म्यूजिकल फॉर्म में गाया करते थे, तो ये ओरली गाते थे। यहाँ पे लिखा भी था, ये रहा ओरली। तो बाद में इनके जो डिसाइपल्स यानी कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं या जो उनके डिवोटीज होते हैं, उन्होंने इनको कंपाइल करवा लिया जब सेंट्स की या पोएट सेंट्स की डेथ हो जाती थी। तो ये जो ट्रेडिशन, जनरेशंस ऑफ डिवोटीज, जब जैसे जैसे, क्योंकि ये ओरल है, तो बाद में किसी डिवोटी ने या किसी फॉलोअर ने इसको कंपाइल किया। तो जब भी कोई चीज़ कंपाइल होती है, तो उसमें वो लोग अपना भी कुछ ऐड कर देते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो वही चीज़ इनमें भी हुई कि जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई, तो डिवोटीज ने जो ओरिजिनल मैसेज था उसको इलेबरेट किया, मॉडिफाई कर दिया, और कभी कभी तो एक्चुअल आइडिया को ही छोड़ दिया गया। तो हमें ये जो सोर्सेज डज पोजेस अ चैलेंज टू हिस्टोरियंस, कि हम कितना इन सोर्सेज पे रिलाई करें और कितना नहीं करें, ये हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन हेजियोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वो उनकी पूरी जीवन की बातें लिखते थे कि वो यहाँ पैदा हुए। जैसे हमने चैप्टर 4 में गौतम बुद्ध का पूरा देखा था कि वो कैसे एक क्लैन में थे, उनके फादर चाहते थे कि वो भी एक किंग बने, तो उन्होंने कितने टाइम तक, उन्होंने पूरी सोसाइटी की सफरिंग वगैरह उनसे छुपा रखी थी, धीरे धीरे उनको बाद में पता चला। तो ये बेसिकली उनकी पूरी लाइफ के सारे इंस्टेंसेस हमने डिस्कस किया। तो ऐसे ही फॉलोअर्स या जो मेंबर्स होते हैं रिलीजियस ग्रुप्स के, वो ऐसी बायोग्राफीज लिख देते हैं उन सेंट्स की। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट हो, जो उनमें लिखा है वो सब कुछ सच हो, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये एक इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी और उन्होंने इस तरीके से वुमेन और मैन दोनों को इन्फ्लुएंस किया, एक सही
राह दिखाने की कोशिश की। तो ये सब हमने सोर्सेस और इंट्रोडक्शन में ये सब पढ़ा। अब शुरू करते हैं अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, अ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस जो स्कल्पचर हैं, मूर्तियां हैं और हमें टेक्स्ट्स मिलते हैं। काफ़ी मेजर डेटीज जिनकी आप बात करोगे वो हैं विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस। ईच वुमेन वॉज विजुअलाइज इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। जैसे कि अगर आप विद्या का बोलोगे तो सरस्वती जी का नाम आता है, मनी की बात करोगे तो लक्ष्मी जी का नाम आता है। तो ऐसे ही गॉडेस विजुअलाइज की गई थी। तो ये अलग अलग डेटीज थे जिनको बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मानते थे लोग और आज भी मानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। अब हिस्टोरियंस ने इन डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश की है। तो उस समझ में कि ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ डिसिमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, तो दिस इज एग्जाम्पलीफाइड जो कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन है। जो पुराण है, जो पुराने टेक्स्ट हैं, ये बड़े सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं। उनमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो बाद में कंपाइल की हैं या जो सेव हुई हुई बातें हैं, वो वुमेन और शूद्रास के लिए नहीं होती थी और उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाता था वैदिक लर्निंग से। ये बात हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस था। एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड प्रोसेस एट वर्क दैट द ब्राह्मण्स वो एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग, वो जो सोशल कैटेगरीज थी, बिलीव्स थे, वो उनको एक्सेप्ट कर रहे थे और उनमें वर्क भी कर रहे थे। तो हमने देखा कि ग्रेट संस्कृत पुरानी ट्रेडिशन और फिर बाद में लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। तो ऐसे करके बाद में उसमें चेंजेस भी आए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, सोसाइटी में वक्त के साथ बदलाव होते हैं और हम भी उन चीज़ों को बदलने को तैयार हैं। तो ये दो तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वो है ओरिसा का। ओरिसा में 12th सेंचुरी में जगन्नाथ, जिनका मतलब है अ लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, बेसिकली ये कृष्ण जी को पूजा जाता है, जो कि माना जाता है कि फॉर्म है विष्णु जी के। विष्णु जी के अलग अलग अवतार हुए हैं, ये बात हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस की थी। तो उनमें से एक अवतार का माना जाता है कि ये फॉर्म है जगन्नाथ। ये आप इमेज देख रहे हो जगन्नाथ में, तो ये बेसिकली कृष्ण जी, उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर, ऐसे करके ये पूरी इमेज बनाई हुई है एक्सट्रीम राइट। ये जो हैं, ये हैं जगन्नाथ, ठीक है, ये उनकी सिस्टर है सुभद्रा और ये उनके ब्रदर हैं बलराम। तो ऐसे करके ये एक इमेज है ओरिसा में जगन्नाथ जी की। तो इसको अगर आप चैप्टर 4 में जो इमेजेस दी थी आप उनसे कंपेयर करोगे तो लोकल डेटीज की जो इमेजेस थी वो वुड से बनाई जाती थी। ये आज भी अगर आप जगन्नाथ की स्टोरी जानोगे तो ये वुड से ही पूरा रथ यात्रा जो निकलती है। तो लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट्स वो जो मानते थे कि जगन्नाथ जो है ये फॉर्म ऑफ विष्णु है, तो ये उन के जो मूर्ति है ये पूरा सब कुछ वुड से बनाते थे। और ये बिल्कुल डिफरेंट है अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री से, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में इन्हें कृष्ण जी की तरह जाना जाता है, बट यहाँ पे इन्हें जगन्नाथ की तरह वर्शिप किया जाता है। तो ये एक इंटीग्रेशन है जो कि एविडेंट है अमंग द गॉडेस कल्ट एज वेल। आपको ये इंटीग्रेशन कि एक ही भगवान को अलग अलग रूप में उनकी पूजा की जा रही है, ये आपको गॉडेस यानी कि सिर्फ गॉड में नहीं, विष्णु शिवा में नहीं, आपको गॉडेस में भी दिखेगा। वर्शिप ऑफ गॉडेस इज ऑफन सिंपली इन फॉर्म ऑफ स्टोन स्मर्ड। अब देखो, लोकल डेटीज को भी पुराणिक फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया गया है और मोस्टली इनकी वाइफ की तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे शिवा की वाइफ पार्वती, विष्णु जी की वाइफ, तो ऐसे करके उनको वाइफ की तरह, जैसे लक्ष्मी जी द वाइफ ऑफ विष्णु जी, पार्वती जी वाइफ ऑफ शिवा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस क्या आते हैं? वर्शिप वॉज क्लासिफाइड एज तांत्रिक।
अब एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है तांत्रिक, ये थोड़ा अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप है, ये कुछ पार्ट्स में वाइड स्प्रेड है, इसमें कोई वो नहीं है जेंडर का कि ये सिर्फ मेन के लिए है, ये मेन वुमेन सबके लिए ओपन है। एंड प्रैक्टिशनर्स कास्ट या क्लास को बिलीव नहीं करते। मेनी ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय शैविज्म, जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो तांत्रिक जो विद्या होती है उसमें थोड़े से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उस चीज को लेके, एज वेल एज बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं वो भी तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में बिलीव करते हैं। आपको सदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, नॉर्दर्न पार्ट, कुछ कुछ हिस्सों में आपको ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप भी दिखेगा। ये अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप है, बट जो शिव शैविज्म मानते हैं फॉर्म ऑफ वर्शिप, शिव जी को मानते हैं, वो भी तांत्रिक वर्शिप में बिलीव करते हैं। और इनके बिलीव्स हिंदू बिलीव से बहुत अलग हैं। और अगर आप वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशन से कंपेयर करोगे तो इनमें काफी डिफरेंस है। अगर आप वैदिक टाइम की बात करो तो उस वक्त के जो प्रिंसिपल डेटीज थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। अगर आपने अपनी पहले की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ऋग्वेदा यानी कि जो हमारा फर्स्ट वेद है उसमें भी इन तीनों डेटीज की ही बात की गई है, अग्नि, इंद्र, सोम की। लेकिन धीरे धीरे जब आगे के वैदिक टेक्स्ट बन रहे हैं तो उसमें आप देखोगे कि ये मार्जिनल फिगर्स हो गए, इनको अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, ये अब मार्जिन पे आ गए। एंड अब आप देखोगे कि धीरे धीरे विष्णु, शिवा एंड गॉडेस, गॉडेस मतलब कि जो उनको उनकी वाइफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, अब आपको वो ज्यादा विजिबल होंगे। तो और वेदास अथॉरिटेटिव थे और वेदास ही अथॉरिटेटिव कंटिन्यूड रहे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हुई। जो वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे वो इन प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे और क्लोजली रेगुलेट करते थे, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस या प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास, इन सब चीजों को। और सेकेंडली, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इंगेज थे ना वो लोग, ये कास्ट सिस्टम जैसे कि ऊपर मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो इन सब में नहीं मानते थे, और जो तांत्रिक विद्या को मानते थे वो वेदास की अथॉरिटी को भी इग्नोर करते थे। जो डिवोटीज होते थे, जैसे सपोज कोई विष्णु जी का फॉलोअर है तो वो उनको अपने डेटी को ही सुप्रीम प्रोजेक्ट करता था, या कोई शिवा का फॉलोअर है तो वो शिवा को सुप्रीम प्रोजेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं विष्णु जी की फॉलोअर हूं तो मैं कहूंगी कि विष्णु सुप्रीम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं शिवा की फॉलोअर हूँ या मे बी अगर मैं तांत्रिक फॉलोअर हूँ तो मैं कहूंगी कि शिवा सुप्रीम है। तो जिसकी जो प्रोजेक्शन, जो जिस डेटी से डिवोटेड है वो उनको सुप्रीम मानता है। जब हम इनका कंपैरिजन बौद्धिज्म या जैनिज्म से करते हैं तो वहां पे हमें ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखती है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं था जैसा आपको यहाँ पे हिंदुइज्म में दिखता है। तो अब डिवोशनल वर्शिप की भी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और डिवोशन रेंज्ड फ्रॉम रूटीन वर्शिप ऑफ डेटी, कि भाई रोज आप मंदिर में अगर आप देखोगे तो रोज उनकी पूजा होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर हर चीज को फॉलो करना, ये बहुत पुराना डिवोशनल, डिवोशन में वर्शिप करना ये बहुत पुराना, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा प्रोसेस है। उसमें गाने गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, मंत्र यानी कि चैंटिंग की जाती है, डिवोशनल कॉम्पोजिशंस, जो भक्त जैसे मीराबाई, मीराबाई ने कृष्ण जी के लिए जो भजन लिखे या जो वो कृष्ण जी के लिए गाती थी तो वो डिवोशनल कॉम्पोजिशन थी, वो उनकी भक्त थी और वो उनके लिए कंपोज करती थी, जो भी उनको उनके मन में आता था और वो कृष्ण जी के लिए वो गाया करती थी। तो इस तरीके से वैष्णव एंड शिवा सेक्ट्स, वो पर्टिकुलरली जो उनके ग्रुप्स थे, जो सेक्ट्स यानी कि ग्रुप्स, वो पर्टिकुलरली अपने डिवोटी, अपने जिनको वो मानते थे उनके लिए वो सिंगिंग और चैंटिंग कॉम्पोजिशंस किया करते थे। पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, वर्शिप का तरीका
भी इमर्ज हुआ है, वक्त के साथ बदला है। फॉर इंस्टेंस पोएट सेंट्स जो कि पहले लीडर्स बने, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, वो उन्होंने एक कम्युनिटी, एक तरीके से एक ग्रुप्स बना दिए जिनको फॉलो करने वाले, मतलब एक तरीके से पूरा ग्रुप बन गया और उनके लीडर वो पोएट या वो सेंट बन गए। तो ऐसे करके पोएट और सेंट्स ने अपने पूरे एक ग्रुप्स बना दिए। जबकि अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स खुद को क्या मानते थे कि हम मिडल में हैं, यानी कि यहाँ पे सपोज ब्राह्मण हैं, यहाँ पे गॉड हैं और यहाँ पे बाकी के लोग हैं, तो कहते थे कि हम इंटरमीडिएट हैं बिटवीन पीपल एंड गॉड, बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज ऑफ सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। तो ये ब्राह्मण अपने लिए कहते थे। जो ट्रेडिशंस थे वो एक्नॉलेज करते थे वुमेन एंड लोअर कास्ट कैटेगरीज, बट वो उनको इनएलिजिबल मानते थे कि वो वेदास नहीं पढ़ सकते, उन्हें हर चीज़ से बाहर रखा जाता था। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, जो बहुत ज़्यादा डीपली ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क और जो पुरानी विचारधारा मानते थे, वो वुमेन या लोअर कास्ट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। अब जो भक्ति होती है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होता है सगुण भक्ति, जिसमें आप मूर्ति की पूजा करते हो, और एक होता है निर्गुण भक्ति, जिसमें कहा जाता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, भगवान हर चीज में है, पेड़ में भी है, पौधों में भी है, हर हर कण कण में भगवान है, तो वो निर्गुण भक्ति होती है। तो जो सगुण भक्ति है, जैसे आप शिवा विष्णु या उनके किसी भी इंकारनेशन की, जैसे आप राम जी की, कृष्ण जी, किसी की भी अगर आप किसी को भी आप वर्शिप कर रहे हो तो आप सगुण भक्ति कर रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, अगर आप ये मान रहे हो कि गॉड हर चीज़ में है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, तो आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो। जैसे कुछ लोग सिर्फ हवन करते हैं और वो किसी मूर्ति में बिलीव नहीं करते, तो वो निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने ना भी आपको समझाया है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी तक हम कर चुके हैं। हम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने भक्ति में देखा कि कैसे पहले हम अग्नि, इंद्र और सोम, इनकी बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी गई, बट धीरे धीरे ये मार्जिनलाइज हो गए, और फिर आपको शिवा विष्णु और गॉडेस, जो कि जो गॉडेस हैं उन्हें बेसिकली वाइफ ऑफ शिवा जैसे कि पार्वती और वाइफ ऑफ विष्णु जैसे कि लक्ष्मी जी, उसी फॉर्म में गॉडेस को दिखाया जाता था। अब हमने उसके बाद ये देखा कि एक तंत्र, तांत्र फॉर्म ऑफ वर्शिप भी होता है, जिसमें कोई वो कास्ट सिस्टम नहीं मानते और ना ही वो ये मानते हैं कि वेद सुप्रीम है। ठीक है, और जो तंत्र फॉर्म ऑफ करते हैं, वो जो तंत्र फॉर्म में बिलीव करते हैं, वो मोस्टली शैविज्म से रिलेटेड भी उन्हें कनेक्ट किया जाता है कि वो उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, एंड उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है जो तंत्र फॉर्म ऑफ वर्शिप करते हैं, वो सिर्फ एक सिंपली अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। अब इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमने देखा कि जो पोएट सेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक खुद के ग्रुप्स बना दिए और वो उनके लीडर्स बन गए जिन्हें लोग फॉलो करते थे, और इन्हीं पोएट सेंट्स की बाद में जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी जो पोएम्स थी उन्हें कंपाइल करते थे कौन, उनके डिवोटीज या उनके फॉलोअर्स। अब जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स मानते थे कि वो एक इंटरमीडिएट हैं बिटवीन जो भगवान हैं, चाहे आप शिवा ले लो, विष्णु ले लो, उनके और उनके फॉलोअर्स के बीच में वो एक इंटरमीडिएट मानते थे खुद को। भक्ति में हमने दो फॉर्म्स ऑफ भक्ति देखी, एक हमने अभी देखा कि सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति, जिसे कहते हैं निराकार, तो निर्गुण निर्वय, तो जैसे भगवान का कोई भी आकार नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, तो हम बात कर रहे हैं निर्गुण की। पर अगर आप शिव जी की या विष्णु जी की या किसी भी अवतार की, राम जी की, आप अगर वर्शिप कर रहे हो उनको, तो आप सगुण भक्ति की बात कर रहे हो। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे वो पहले लोअर का क्लास और वुमेन को इंक्लूड नहीं करते थे, उन्हें वो एक्सक्लूडेड रखते थे।
तो ये था अभी तक का, आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आगे का जब मैं समझाऊंगी, क्योंकि अब हम साउथ की तरफ मूव करेंगे, तमिलनाडु में कैसा था, और आपको फिर उसमें भी विष्णु और शिवा में ग्रुप्स दिखेंगे, अलवर्स और नयानार्स, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है ये, मैं आपको अगले पार्ट में डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको अभी तक का सारी डिस्कशन समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बटन को। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं बात करूंगी अलवर्स एंड नयानास की और इस चैप्टर के आगे के कुछ पॉइंट्स की। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन, वो डिस्कस कर रहे थे। इसका टाइम पीरियड 8th से लेके 18th सेंचुरी है। इसमें हम रिलीजियस बिलीव्स और डिवोशनल टेक्स्ट में क्या चेंजेस आए, इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो सूफी सेंट्स, सॉरी पोएट्स होते हैं, सेंट्स जो कि म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस करते थे, वो लोग ओरली कंपोज करते थे, लेकिन बाद में जो उनके डिसाइपल्स जो उनको फॉलो करते हैं या उनके डिवोटीज एक तरीके से जो उनके भक्त होते हैं, उनकी डेथ के बाद इन सबको कंपाइल यानी कि इकट्ठा कर दिया करते थे। लेकिन इस चीज में कभी कभी जो ओरिजिनल मैसेज होता था वो कहीं गुम सा हो जाता था, क्योंकि सब अपने तरीके से मॉडिफाई करते जाते थे चीजों को। फिर हमने आगे देखा कि कैसे विष्णु, शिवा एंड गॉडेस, इनको पूजा जाने लगा, ये मेजर डेटीज थे उस वक्त के। और इसमें हमने देखा कि जो संस्कृत पुराणिक टेक्स्ट थे उसमें वुमेन और शूद्रास को वो एक्सेसिबल नहीं थे। और हमने यहाँ पे जगन्नाथ जी का भी एग्जाम्पल देखा था, उड़ीसा का, कि मैं आपको पिक्चर में बताया था कि ये जगन्नाथ हैं, ये उनकी सिस्टर सुभद्रा और ये उनके बड़े भाई बलराम। तो ये एक फोटो है और ये वहाँ के ट्राइबल्स बनाते हैं, आज भी वुड पे ये इमेजेस बनती हैं। फिर हमने आगे देखा था कि कैसे जो गॉडेस हैं उनको वाइफ के तौर से कनेक्ट किया जाता है, मेल डेटी की, जैसे कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की वाइफ, पार्वती जी शिव जी की वाइफ, इस तरीके से। और एक हमने डिफरेंस देखा था, वो था तांत्रिक वर्शिप। ये जो लोग तांत्रिक वर्शिप में बिलीव करते हैं, ये कोई कास्ट का बाउंड नहीं होता, मैन वुमेन कोई भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। मोस्टली जो शैविज्म यानी कि जो शिव जी को मानते हैं, या फिर बुद्धिज्म के जो लोग हैं, वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये लोग वेद को सुप्रीम नहीं मानते। ये आगे आप पढ़ोगे कि वेदास को सुप्रीम नहीं मानते कौन, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। पहले अग्नि, इंद्र और सोम को प्रिंसिपल डेटी माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो मार्जिनलाइज हो गए और विष्णु, शिवा और गॉडेस ये एक मेजर रोल प्ले करने लगे और इनकी डिवोशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर हमने देखा कि कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस में, जैसे कि बौद्धिज्म और जैनिज्म में, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या एक तरीके से ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हिंदू में जो विष्णु विष्णु जी के फॉलोअर्स हैं वो उन्हें सुप्रीम मानते हैं, जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो उन्हें सुप्रीम मानते हैं। तो ऐसे करके भक्ति में आपको यहाँ पे वर्शिप में ये आइडियोलॉजी दिखती है। फिर हमने आगे पोएम्स ऑफ प्रेयर्स की बात करते हुए हमने ये कहा था कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल लोग होते हैं थे, जो उनका फ्रेमवर्क है, वो ये मानते थे कि इनका ये कंटेंट लोअर कास्ट के लिए है ही नहीं, और स्पेशली वुमेन के लिए भी। और ब्राह्मण्स अपने आप को एक इंटरमीडिएट, एक बीच का जरिया मानते थे गॉड और उनके डिवोटीज के बीच का। फिर हमने भक्ति के दो कैटेगरीज देखी,
एक थी सगुन भक्ति जिसमें आप मूर्ति की पूजा करते हो, और दूसरी है निर्गुण भक्ति जिसमें कोई फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर आप शिव जी की पूजा करो या विष्णु जी की पूजा कर रहे हो या आप उनके अवतार की पूजा कर रहे हो तो आप सगुन भक्ति कर रहे हो। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की, भगवान तो हर जगह है, अगर आप उस तरीके से पूजा कर रहे हो तो आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो। तो ये अभी तक हमने किया था, एक तरीके से मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अलवर्स एंड नयानास पे। तो इससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम अलवर्स एंड नयानास की बात करेंगे। ये हम तमिलनाडु यानी कि अब हम साउथ इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो भक्ति मूवमेंट जो हुई ये लगभग 6th सेंचुरी में हुई थी। इसमें अलवर्स वो थे जो विष्णु जी को डिवोट थे, जो उनके डिवोटी थे, और नयानास वो थे जो शिव जी के डिवोटी थे। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी जब हम आगे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवर्स तो वो विष्णु जी के साथ आपको हमेशा याद रखना है, वो उनके डिवोटेड हैं, और जो नयानाज हैं वो शिव जी यानी कि शिवा के फॉलोअर या डिवोटी हैं। अब अलवर्स एंड नयानाज जिन वो ट्रैवल करते थे अलग अलग जगहों पे, और जो उनके चोजन डेटी थे जैसे कि अलवर्स के विष्णु जी और नयानाज के शिव जी, तो वो उन्हीं के जो अलग अलग टेम्पल्स थे और उन सब जगहों पे वो विजिट किया करते थे और उनके लिए अलग अलग कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, उनकी ही इमेजेस को वर्शिप किया करते थे। तो ठीक है, मतलब जिनका जो कनेक्ट कर रहे हैं जिससे, अगर अलवर्स विष्णु जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं की ही पूजा कर रहे हैं, नैना शिव जी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उन्हीं की ही पूजा कर रहे हैं। अब यहीं से एक मूवमेंट शुरू हुई, अलवर्स एंड नयानाज ने इनिशिएट की एक मूवमेंट। वो मूवमेंट थी अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो आप देख सकते हो कि अलवर्स एंड नयानाज ने सबसे पहला पॉइंट अगर आपको दिखे टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, तो भक्ति मूवमेंट यहां से आपको दिखेगा कि इन्होंने ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को खत्म करो और कास्ट सिस्टम हटाओ, इस तरीके की उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। यहाँ पे ये कुछ एक्सटेंड में अलवर्स और नयनाज इकट्ठे भी थे और डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे थे, ब्राह्मण से लेके आर्टिसन यानी कि जो कारीगर होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, कल्टीवेटर्स किसान होते हैं, और इवन अनटचेबल्स कास्ट, इन सब रेंज ऑफ अलग अलग कैटेगरी से लोग मिलके यही सेम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कास्ट सिस्टम को हटाओ और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स को हटाओ। अब अलवर्स और नयनास के जो फॉलोअर्स थे वो अपनी पोजीशन कभी कभी वेदास जितनी इम्पोर्टेंट भी शो किया करते थे। देखो वेद की ना एक अलग पोजीशन है, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और नयनास और अलवर्स की जो कॉम्पोजिशंस होती थी, जो वो प्रेज में अपने गॉड के लिए लिखते थे, वो उसे इक्वल इम्पोर्टेंट दिखाते थे वेदास के। अब इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल है कि एक कॉम्पोजिशन है अलवर्स की, उन्होंने वन ऑफ द मेजर एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ कॉम्पोजिशन बाय अलवर्स, तो वो इसे क्लेम करते हैं कि ये वेदास जितनी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से नलरई दिव्य प्रबंधम, इसे वो डिस्क्राइब करते हैं तमिल वेद। तो वो कहते हैं कि जो 4 वेदास हैं संस्कृत में, जो कि ब्राह्मण्स के थ्रू लिखे गए हैं या उनके थ्रू इनको बार बार चेंज करा जाता है, जो भी 4 वेदास हैं वो क्लेम करते हैं कि तमिल वेद जो ये नलरई दिव्य प्रबंधम है, ये उसको उसी जितना इम्पोर्टेंट दिखाते हैं कि जितने 4 वेद इम्पोर्टेंट है उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वेदा के केस में, अब ब्राह्मण्स के केस में वुमेन को और अनटचेबल्स को तो अलाउड ही नहीं था वेद पढ़ना, लेकिन जो इन केसेस में अलवर्स और नयनाज में आपको वुमेन डिवोटीज भी दिखती हैं, जैसे कि विष्णु जी केस में तो मीरा का नाम सबसे ऊपर आता है कि वो कितनी बड़ी डिवोटी थी कृष्ण जी की।
तो आपको ऐसे बहुत से फीचर्स दिखेंगे इस जगह पे जहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ वुमेन दिखेगी। इसमें एक एग्जाम्पल है कॉम्पोजिशन ऑफ अंदल। ये एक वुमेन थी जो अलवर से बिलोंग करती थी, यानी कि ये विष्णु जी को डिवोटेड थी। वो उनके लिए गाना मतलब अलग अलग कंपोज करती थी, पोएम्स सॉन्ग्स, और वो उनको अपने जो विष्णु जी की तरफ वो डिवोटेड थी, उनकी तरफ अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरीके से एक और वुमेन थी करैकल अमेर। ये शिव जी की डिवोटी थी और इन्होंने एक एक्सट्रीम पाथ ऑफ एस्टेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। उनकी कंपोजिशंस आज भी नयनार ट्रेडिशन में प्रिजर्व्ड हैं। उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था और बट उन्होंने ऑल्टरनेटिव ऑर्डर जैसे कि नंस वगैरह को ज्वाइन नहीं किया था, और उनका एक जो एग्जिस्टेंस था वो एक पेट्रियार्कल नॉर्म की तरफ एक चैलेंज था, क्योंकि तब तक मेन ही मेन हर कॉम्पोजिशन में प्रिजर्व हो रही थी। उनमें सबसे ऊपर का रोल मेन का होता था और काफी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। और ये करैकर अमेयर ये शिवजी की डिवोटी थी। तो आपको कहीं कहीं पे वुमेन के भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अब जो ये अलवर्स और नयनार्स थे, इनका स्टेट यानी कि वहाँ की जो रूलर जिनके पास पावर है, उनके साथ इनके रिलेशंस कैसे थे? तो तमिल में जब हम देखते हैं तो हमने देखा है कि छोटे छोटे चीफ्स होते थे और इन चीफ्स के पास काफी पावर हुआ करती थी। तो अलग अलग जो इम्पोर्टेंट चीफडोम्स थे तमिल रीजन में फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, इन्होंने देखा जैसे कि पल्लवाज और पांड्यास, वाइल बौद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड बीन प्रेवलेंट इन दिस रीजन, क्योंकि वो चल ही रहा था और मर्चेंट्स और आर्टिसंस वगैरह जैनिज्म और बौद्धिज्म को सपोर्ट कर ही रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हाइम्स वो आपको अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिलेंगी, कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था तमिल के कुछ जिलों, कुछ एरिया कह लो, चीफ डोम्स के एरियाज में। लेकिन जो वहां के जो कंपोजिशंस आपको मिलेंगी भक्ति कंपोजिशंस, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अगेंस्ट थी। और वो कंपोजिशंस पर्टिकुलरली आपको नयनार्स यानी कि जो शिवा के फॉलोअर्स हैं आपको उनकी मिलेंगी। तो हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं कि इनके बीच में एक तरीके से कंपटीशन था अलग अलग रिलीजन ट्रेडिशंस में, क्योंकि देखो बौद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, इसके बाद नयनार्स भी हैं और अलवर्स भी हैं। तो अब किंग सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पैटर्नेज नहीं देगा, मतलब मनी बेसिकली जो सबको चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग टेम्पल्स बनाएंगे, बुद्धिज्म में वो अपना स्तूपाज बनाएंगे, और अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यू नीड मनी, वो मनी आपको रॉयल जगहों से मिलती है। लेकिन किंग सबको इक्वल नहीं देगा, किंग का फेवर जिसको ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, ये फैक्ट है। तो इसीलिए इन सब में एक तरीके से कंपटीशन था रॉयल पैट्रनेज के लिए कि किसको ज्यादा पैट्रनेज मिल पाती है। अब चोला रूलर्स जो थे वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो जमीन का दान देते थे विष्णु और शिवा टेम्पल्स के लिए। आपको साउथ में बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, और उसमें से एक एग्जाम्पल जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें से है शिवा का टेम्पल, यानी कि नयनार्स के उन्होंने पैटर्नेज किया होगा, इंक्लूडिंग दोज एट चिदंबरम चिदंबरम तंजावर एंड गोलकोंडाई चोलापुरम। ये चोला रूलर्स ने पैटर्नेज किया था, और उस टाइम में शिवा की ब्रॉन्ज की स्कल्पचर, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये शिवा नटराज की रूप में खड़े हैं, तो ऐसे ही अलग अलग स्कल्पचर उस वक्त उन्होंने ब्रॉन्ज के बनवाए। और ये तीन जगहों के नाम है चिदंबरम तंजावर और गोलकोंडाई चोलापुरम। किसने बनवाया था ये याद रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है चोला रूलर्स ने बनवाया था, किसका, शिवा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड था उन आर्टिस्ट से जिन्होंने जिनका विजन था शिव जी का, यानी कि नयनार्स का विजन था कि वो इस तरीके से टेम्पल बनाना चाहते थे।
बोथ नयनार्स एंड अलवर्स, यानी कि जो शिवा के सपोर्टर्स थे और जो विष्णु के सपोर्टर्स थे, रिवर्व्ड बाय वेल्ला पेजेंट्स, जो वहां के पेजेंट्स थे उनका भी उनको सपोर्ट मिल रहा था। नॉट सरप्राइजिंगली रूलर्स ट्राइड टू सपोर्ट एज वेल। चोला किंग ने खुद को क्लेम किया था कि वो डिवाइन सपोर्ट, और प्रोक्लेम उनका पावर। किंग होता है ना, किंग को अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करेगा किंग? तो किंग क्या करते थे, लैंड को ग्रांट पे देते थे पहली चीज, दूसरा टेम्पल्स बनवाया करते थे। तो किंग को अपनी पावर दिखाने के लिए ये सब चीजें करते थे, और ठीक उसी तरह से चोला किंग्स ने भी किया। उन्होंने अलग अलग अपना स्टेटस और अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत टेम्पल्स बनवाए, जिसमें बेहतरीन पत्थर लगे हुए थे, मेटल की स्कल्पचर्स बनवाए थे, पॉपुलर सेंट्स जो कि अलग अलग सॉन्ग्स गाया करते थे। उनका एक विजन था, उन्होंने सोचा था कि इस तरीके का मंदिर बनना चाहिए, उस तरीके का मंदिर उन्होंने बनवाया। किंग्स ने तमिल शिवा हाइंस भी इंट्रोड्यूस की, जो कि गाई जाती थी टेम्पल्स में, और वो भी रॉयल पैटर्नेज थी कि जो किंग्स वगैरह ही उनको वहां पे पैसा दिया करते थे। टेकिंग द इनिशिएटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट, जो भी उस टाइम के टेक्स्ट हैं, क्योंकि मोस्टली ओरल थे या फिर अगर रिटन थे तो वो इकट्ठे नहीं थे, तो उन्होंने कोशिश की उन सबको इकट्ठा करने की। 945 के अराउंड टाइम पीरियड है ये, सजेस्टेड द चोला रूलर परंतका वन हैड कॉन्सिक्रेटेड मेटल इमेज ऑफ अपर संबर एंड सुदार इन शिवा टेम्पल। और ये अलग अलग फेस्टिवल ओकेजन्स पे ये सेंट्स थे, इनकी इमेजेस भी कैरी की जाती थी जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता था। तो आप देख रहे हो कि किंग्स बेसिकली अपनी पावर को शो करने के लिए टेम्पल्स बना रहे हैं और उनमें अलग अलग स्कल्पचर मूर्तियां स्थापित करवा रहे हैं। ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अब हम कर्नाटक चलते हैं। 12th सेंचुरी में एक मूवमेंट शुरू हुई थी कर्नाटक में, जो कि एक ब्राह्मण जिनका नाम था बसवना, उन्होंने शुरू की थी। ये माना जाता है कि ये कलचरी रूलर के मिनिस्टर थे, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को वीरा शैवा कहते हैं, यानी कि हीरोज ऑफ शिवा, या फिर ये लिंगायत्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो शिवलिंग होता है, लिंग शिवलिंग, वो अपना ये वियर करते हैं उसको, ठीक है? तो ये अपने आप को लिंगायत कम्युनिटी बोलते हैं। लिंगायत आज भी कर्नाटक के रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये शिवा को शिवलिंग का फॉर्म होता है, उस फॉर्म में ही पूजते हैं। मैन एक छोटा सा लिंग, शिवलिंग, सिल्वर केस में, यानी कि चांदी के बने हुए ऐसे एक बॉक्स में, वो एक लूप होता है, उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधते हैं। जो जंगम और वेंड्रिंग मॉन्क्स होते हैं, वो दूसरे रिवर्ड, मतलब इस तरीके से वो भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। लिंगायत्स ये बिलीव करते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो शिवा में ही यूनाइट हो जाएंगे और वो दोबारा वर्ल्ड में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि वो रीबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं, और जो उनका फ्यूनरी हो, जब जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो क्रीमेशन है, जैसे धर्म शास्त्र में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे नहीं होता। जैसे कि बरी बर्न कर दिया जाता है हमारे में, जो धर्म शास्त्र में लिखा गया है, मोस्टली यही हर हिंदू प्रैक्टिस में माना जाता है, लेकिन लिंगायत्स में वो बरी करते हैं आफ्टर डेथ। लिंगायत्स चैलेंज करते हैं कास्ट सिस्टम को और पॉल्यूशन को, और वो ही कहते हैं कि जो सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स हैं उन पे वो इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं कि तुम कैसे किसी को पॉल्यूटिंग, या कैसे किसी को तुम लो कास्ट का कह सकते हो। वो रीबर्थ को भी नहीं मानते हो, उसे भी क्वेश्चन करते हैं। बहुत से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि जो शूद्र कम्युनिटी है, या जिनको ब्राह्मण्स ने लो कास्ट दे रखी है, जिन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में, वो लिंगायत से मिल गए।
लिंगायत डिसअप्रूव करते हैं धर्मशास्त्र को। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में ऐसे नॉर्म्स लिखे गए हैं कि एक ऑर्डिनरी जो पीपल है उन्हें, किंग्स को और सबको किस तरीके से क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। उसमें मैरिज के बारे में, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, री मैरिज ऑफ विडो, इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ रूल्स लिखे हैं, लेकिन लिंगायत्स इन्हें नहीं मानते। वीर शेवा ट्रेडिशन इज डिराइव फ्रॉम वचना, लिटरली सेइंग कंपोज्ड इन कन्नड़, जो कर्नाटक में भाषा चलती है। ये वुमेन एंड मैन जो इस मूवमेंट को ज्वाइन करते थे, उनके थ्रू उन्होंने जो कंपोजिशंस लिखी और गाई, वही एक कंपाइल करके वीरशैवा ट्रेडिशन में वचनास उन्हें कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा लिंगायत के बारे में है कि कैसे वो धर्म शास्त्र धर्म सूत्र को नहीं मानते, वो रीबर्थ को भी नहीं मानते, और वो ये मानते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो कैसे शिवा से मिल जाएंगे, और वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने तमिलनाडु में देखा, हमने तमिलनाडु में अलवर्स और नयनार्स देखे, फिर हम कर्नाटक गए, कर्नाटका में हमने क्या देखा, तो कर्नाटका में हमने लिंगायत्स देखे। अब हम नॉर्थ इंडिया पे आ गए हैं। नॉर्थ इंडिया में भी विष्णु और शिवा एज अ डेटी वर्शिप किए जाते हैं टेम्पल्स में, और जो यहाँ के रूलर्स थे यानी कि जो पावर में हैं, वो इन्हें सपोर्ट भी किया करते थे। ऑल्दो इस बात का कोई एविडेंस हिस्टोरियंस को नहीं मिलता, जैसे अलवर्स और नयनास के केस में हमें एविडेंस मिलता था कि जैसे जो चोला किंग्स थे उन्होंने टेम्पल्स को पैटर्नेज किया, इतने बड़े बड़े शिवा टेम्पल्स उन्होंने बनवाए, तो हमें दिखता था कि अच्छा, मतलब कि रूलर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं दिखता। जब हम 14th सेंचुरी के बाद की बात करते हैं, तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो राजपूत स्टेट्स थी वो इमर्ज होने लगी, और उसमें जो ब्राह्मण्स थे उनकी पोजीशन सबसे इम्पॉर्टेंट थी, परफॉर्मिंग अ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शनिंग, वो जो भी ब्राह्मण्स की ही सुप्रीमेसी थी, लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली। साउथ में जैसे उनको चैलेंज किया जा रहा था, एक तरीके से प्रॉपर मूवमेंट चल रही थी, ऐसा कुछ भी हमें नॉर्थ में नहीं दिखता। यहाँ पे ब्राह्मिन्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन दिखाई जाती है। रिलीजियस लीडर्स जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को नहीं बिलीव करते थे, जैसे कि नथ, जोगीज, सिद्धाज, ऐसे भी बहुत लोग थे, ये आर्टिसनल ग्रुप्स या वीवर ग्रुप से बिलोंग करते थे, और धीरे धीरे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। इन्होंने अपने खुद की ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मानता था, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल व्यूज, कैसे कि वेदा को वुमेन और जो लोअर कास्ट वाले नहीं पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम और विडो रीमैरिज, सती प्रथा, जो भी इन सब चीज़ों को शायद नहीं मानते होंगे, उन सब ने विडो री मैरिज तो शायद मानते हैं कि ये तो सही चीज़ है, बट सती प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिसेस सही नहीं थी, मे भी जो वो नहीं मानते होंगे, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, और उन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि वो आर्टिसंस थे तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, और वो अपना काम प्रोडक्शन अपना करने लग गए। धीरे धीरे वो अर्बन सेंटर्स में ग्रो होने लग गए, और उन्होंने ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स साउथ की तरह नॉर्थ में भी वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने एक्सप्रेस किया देमसेल्स, जो कि लैंग्वेज जो ऑर्डिनरीली बोली जा रही थी। आप कभी भी जब आप बुद्धिज्म में देखोगे, या आप साउथ में जब हम तमिलनाडु में देख रहे थे, कर्नाटका में देख रहे थे, तो जो लैंग्वेज ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, वही लैंग्वेज में ही मोस्टली आपको वहाँ के टेक्स्ट मिलेंगे, क्योंकि लोग बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो वही बात थी कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे वेदास की अथॉरिटी को उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो वहाँ के लोग बोला करते थे, और डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज वंस यूज्ड टुडे। हाउएवर इस बात की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन ये वाले रिलीजियस लीडर्स जो क्वेश्चन कर रहे थे वेदा को या कास्ट सिस्टम को, जो भी वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो कभी भी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ले पाए कि जो वहाँ के रूलिंग एलीट है, किसके, नॉर्थ के जो रूलिंग एलीट थे, उनका उनका सपोर्ट कभी इन्हें नहीं मिला।
नॉर्थ में हमेशा ब्राह्मण्स को ही सपोर्ट मिला। एक नया एलिमेंट आया, वो था तुर्क्स। जब तुर्क्स आए, विच क्यूमुलेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या हुआ कि मेनी ऑफ द राजपूत स्टेट्स की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई, और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण्स जो कि राजपूत स्टेट्स या किंग्स से कनेक्टेड थे, अटैच थे, या फिर उनके साथ उनकी भी पावर थी, उनकी पावर भी कम होने लग गई। और इसके कारण अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स भी आने लग गए, और इसके कारण आपको सूफीज, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत आए, तो आपको यहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ सूफी भी दिखेगा। ये अब हम आगे, क्योंकि आपका चैप्टर में भक्ति एंड सूफी है, तो भक्ति हो गया, अब हम सूफी कि अब आपने यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन देखा, और अब देखोगे आप कि कैसे न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक अब आपको इस्लामिक ट्रेडिशन, यानी कि अब आपको यहाँ पे सूफी सेंट्स और इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो भक्ति एक पार्ट हमारे इस चैप्टर का हो चुका है। अब हम जो कि आपका चैप्टर का नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, अब हम सूफी ट्रेडिशन की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बुक से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, इसी का ही मैंने 15 मिनट्स का क्विक रिविजन की वीडियो भी पहले बना रखी है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। MCQ अगर आपको करने हैं तो 50 MCQ की वीडियो भी मैंने इसी चैप्टर की डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा ये सब लिंक्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तब भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने भक्ति का, यानी कि जो आपको अलग अलग ट्रेडिशन में चैप्टर 4 का रेफरेंस लेके पूरा समझा था कि कैसे बौद्धिज्म और जैनिज्म ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे। फिर हमने बताया कि कैसे शिवा, विष्णु और गॉडेस, इनके डिवोटीज और इनके फॉलोअर्स कैसे अलग अलग गॉड्स को सुप्रीम मानते थे, और हमने इसमें साउथ का रेफरेंस लेते हुए अलवर्स और नयनार्स जो कि तमिलनाडु में, और लिंगायत जो कि कर्नाटक में, हमने उनका भी यहाँ पे प्रॉपर पूरा एग्जाम्पल लेके पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं सूफी ट्रेडिशन के बारे में, इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में। तो हमने देखा कि सब कॉन्टिनेंट जो एक रीजन है, यहाँ पे आइसोलेशन नहीं है एक अदर से, मतलब कि यहाँ पे अरब मर्चेंट्स आए वेस्टर्न कोस्ट से सबसे पहली बार, और यहाँ पे धीरे धीरे आपको दिखा कि इस्लाम स्प्रेड होने लग गया, एंड इस रीजन में आपको इस्लामिक वर्ल्ड ये टर्म किया जाने लगा उस एरिया को। तो एक रिलीजन आपको, हमारा जो ये रीजन है इसमें अलग अलग रिलीजन्स दिखेंगे इस सब कॉन्टिनेंट में, आइसोलेटेड नहीं है किसी भी रिलीजन से। बेसिकली आज की डेट में तो आपको हर रिलीजन दिखेगा ही दिखेगा। अब फेथ्स, रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यानी कि जो रूलर के फॉलोअर्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, जो मंत्री वगैरह, उन सब की बात करेंगे। तो अगर हम रिलीजन को फोकस करके बात करें रूलिंग एलीट्स की, क्योंकि देखो अगर सपोज एक रूलर इस्लाम को फॉलो कर रहा है या एक रूलर हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है तो उससे एक बहुत मेजर चेंज होता है। अब अगर हम 711 की बात करें तो अरब में जनरली नेम्ड एक मोहम्मद कासिम ही कॉन्कर्ड सिंध, जो कि बाद में कैलिफ डोमेन का पार्ट बन गया था।
और बाद में उस पर तुर्क्स और अफगान्स ने इस्टेब्लिश किया बाद में दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो अब आप अगर सल्तनत में फॉर्मेशन देखोगे तो वो डेक्कन और अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में दिखा, और आपको इन सब में स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद कासिम से लेके जो भी दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे उनमें आपको दिखेगा कि वो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तुर्क्स अफगान्स, वो सब इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इस्लाम का यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हुआ, और ये जब मुगल एम्पायर 16th सेंचुरी में आया, ये आप अपनी बुक 3 में भी इसमें काफी डिटेल में पढ़ोगे मुगल एम्पायर के बारे में, तो उस टाइम पे रीजनल स्टेट्स भी इमर्ज हुई, और 18th सेंचुरी तक आपको दिखेगा कि ये इस्लाम काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो रूलर्स थे वो उल्मा से उनको गाइड करते थे वो लोग। बेसिकली एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो शरिया है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं उनकी सबसे ज्यादा नॉलेज उल्मा को ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पॉपुलेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम। जहाँ पे पॉपुलेशन इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं कर रही थी वो इस्लाम को वो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर नहीं था एक रिलीजन, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। क्योंकि इवन इफ अगर किंग मुस्लिम है बट अगर वहाँ की जनता इस्लाम को नहीं सपोर्ट कर रही तो किंग कैसे सारे शरिया की बातें फॉलो कर पाएगा, तो कहीं कहीं पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब एक कैटेगरी की बात आती है जिसका नाम है जिमी, जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड। ओ, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो एक टर्म आती है जिमी जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड। ये अरेबिक वर्ड जिम्मा, कहते हैं ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा जिम्मा है, प्रोटेक्शन डेवलप किया गया उन पीपल के लिए जो फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज एंड क्रिश्चियन एंड लिव्ड अंडर मुस्लिम रूलरशिप, कि रूलर एक दूसरे रिलीजन का है और उसके नीचे रहने वाली जनता दूसरे रिलीजन की है। मतलब कि रूलर इस्लाम फॉलो कर रहा है लेकिन जो जनता है वो या तो ज्यूज हैं या क्रिश्चियन हैं, तो उन लोगों की प्रोटेक्शन करी जाती थी एंड इसके बदले उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था, जजिया, ताकि गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स, ताकि वो प्रोटेक्ट हों, तो उनको अपने रिलीजन को बचाने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे इन शॉर्ट। और इंडिया में यही चीज हिंदूज के साथ हो रही थी कि अगर आपको अपना रिलीजन बचाना है तो आपको जजिया देना पड़ेगा, तो भी अब आपका रिलीजन प्रोटेक्टेड है। ये हम आगे जाके जब मुगल के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे 3rd बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा। 3rd बुक कह रही हूँ, सॉरी सॉरी, 3rd बुक नहीं, आपकी इसी बुक में जब चैप्टर 9 से यहाँ पे मेंशन भी है, सॉरी सॉरी, मैंने आई थिंक पहले भी 3rd बुक बोल दिया था, तो इसमें आपका मेंशन होगा तब आपको मुगल एम्पायर में समझ आएगा कि ये टैक्सेस रिलीजन बेस्ड है, कि मतलब जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो जजिया नहीं दे रहे, सिर्फ हिंदू जजिया दे रहे हैं और बाकी जगहों पे ज्यूज और क्रिश्चियंस जजिया दे रहे हैं। ठीक है, तो मुगल्स जो थे वो अपने आप को रिगार्ड करते थे एम्परर्स, कि वो सिर्फ नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट वो हर इंसान जो उनकी टेरिटरी में रहता है वो उन सबके रूलर हैं। इन इफेक्ट रूलर्स ऑफन एडॉप्टेड फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको टैक्स में थोड़ी माफी दे दी जाती थी, हिंदूज को, जैन्स को, ज़ोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियन, ज्यूज, मतलब आप कह सकते हो कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाती थी उनके रिलीजन इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जैसे जो हिंदूज के फॉलो करने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं या जो जैन्स के या क्रिश्चियन के चर्च हैं, उन नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को भी कभी कभी ग्रांट दिया जाता था उनको रिस्पेक्ट के तौर से। और सेवरल रूलर्स औरंगजेब, सेवरल तो ये लिखा गया है बट ज्यादा रूलर्स ने तो नहीं दिया, इवन औरंगजेब ने भी कुछ वक्त के लिए ही किया था और सेम गोज विद अकबर, बट ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम के लिए नॉन मुस्लिम पे जो जजिया वगैरह था ये हटा दिया था, बट बहुत सेवरल मुगल रूलर्स आपकी बुक में लिखा है तो यू कैन गो विद इट, बट इफ यू वॉन्ट टू
आगे आपने अगर प्रोसीड करना है विद हिस्ट्री तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कोई मुगल रूलर्स थे नहीं, बस इन्होंने ही जजिया हटाया था एंड कुछ टाइम फ्रेम के लिए। बट हाँ, आप अपने आंसर में ये बात लिखोगे कि हाँ इन्होंने हटाया था। ठीक है, अब आते हैं हम पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। क्योंकि अब हम भक्ति ट्रेडिशन पढ़ चुके हैं, अब हम सूफी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो इस्लाम जो कि द डेवलपमेंट दैट फॉलोड कमिंग ऑफ इस्लाम, ये किसी रूलिंग एलीट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। तो जब एक सोशल स्ट्रेटा जो पेजेंट्स आर्टिसंस, पेजेंट्स किसान, आर्टिसंस जो वॉरियर्स जो लड़ाई करते हैं, मर्चेंट्स जो ट्रेड करते हैं, इन सब में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एडॉप्ट किया इस्लाम एंड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल फाइव पिलर्स। इस्लाम में फाइव पिलर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इज दैट देयर इज वन गॉड। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ग्रीन कलर से कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला है देयर इज वन गॉड जिनका नाम है अल्लाह, तो ये होगी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, ठीक है, ये सेकंड बात है। थर्ड है आपको फाइव टाइम्स प्रेयर, जिसको वो नमाज कहते हैं या सलत, वो आपको ऑफर करनी है। फोर्थ इज गिविंग अल्म्स ज़कात, एंड फिफ्थ इज फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। आपको रमजान के महीने में, एक मिनट, ये फिफ्थ कैसे हो गया? फिफ्थ तो है परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मेका। सो मेका एक रिलीजियस प्लेस मानी जाती है, हज जैसे कह रहे हैं हज की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो हज एक रिलीजियस प्लेस मानी जाती है और वहाँ पर उनको परफॉर्म करना पिलग्रिम, मतलब उनको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और उनको रमज़ान के वक्त में फास्टिंग करनी चाहिए। तो ये पांच बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस, तो आपको ये फाइव पिलर्स पता होने चाहिए। यूनिवर्सल फीचर्स ओवरले होते थे क्योंकि हर जगह के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आपको हर रिलीजन में मिलेंगे। अब इस्लाम में भी दो सेक्ट्स हैं बेसिकली, आइडियाज़ में आप डिफरेंसेस देखोगे आपको दिखेंगे, और इसमें एक डिवीज़न है वो है सुन्नी और शिया का। शिया सुन्नी डिवीज़न भी आपको यहाँ पे दिखता है। लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस डिफरेंट, अब आपको थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल है खोजास का, ये भी एक शिया से ही एक पार्ट निकला हुआ है, ये भी इस्लाम को ही फॉलो करने वाले, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया, इनके आइडियाज थोड़े से अलग हैं, लेकिन हैं वो डिराइव कुरान में से ही, लेकिन उनका थोड़ा सा अपना अलग वेरिएशन है। और उसमें उन्होंने जिनन, ये एक संस्कृत वर्ड है मीनिंग नॉलेज, एंड डिवोशनल पोएम्स हैं उसमें पंजाबी में, मुल्तानी, सिंध, कच्ची और हिंदी और गुजराती, जो उस एरिया के हैं उन्होंने वो सब चीज़ें भी उसमें मेंशन की हैं। तो थोड़ा थोड़ा रीजन के हिसाब से थोड़ा सा डिवीज़न भी हो गया है। बाकी जगहों पे आपको अरब मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, जो कि मलाबार कोस्ट यानी कि केरला वाले एरिया में सेटल हो गए, उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। लोकल लैंग्वेज कौन सी है केरला में? मलयालम। एंड उन्होंने वहाँ का जो मैट्रिमोनी सिस्टम है, यानी कि जो वुमेन की फैमिली में आपको जाके रहना पड़ता है, वुमेन अपने घर में रहती है, हस्बैंड को उसके साथ आके रहना पड़ता है, ये सिस्टम साउथ में फॉलो किया जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, मैट्रिलोकल रेजिडेंस इज अ प्रैक्टिस वेयर वुमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल हाउस, अपने बाबा के जो एक्चुअल में उनका घर है, अपने चिल्ड्रन के साथ वहीं रहती है, हस्बैंड को उनके साथ आकर रहना पड़ता है। तो ये है मेट्रिलोकल रेजिडेंस, और ये उन्होंने एडॉप्ट भी किया। तो आपको यूनिवर्सल फेथ, कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सली हर जगह पे आपको दिखेंगी, लेकिन वक्त के साथ और जगह के साथ आपको थोड़े थोड़े वेरिएशन भी दिखते हैं। इवन जो स्ट्रक्चर्स मॉस्क बनती हैं, जो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि
क्रिश्चियंस में चर्च, हिंदूज में टेंपल्स, तो मुस्लिम्स में मॉस्क। तो आपको मॉस्क में भी जगह के हिसाब से चेंज दिखेगा। जैसे कि केरला में आप देखोगे आपको ऊपर एक आर्च तरीके से दिख रही है, तो आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आपको उसमें भी एक डिफरेंस दिखेगा। कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं यानी कि वो कॉमन रहेंगी। अब देखो आप इस मॉस्क में उस तरीके की आर्च नहीं है जैसी हमने पिछली इमेज में देखी। तो रीजन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सल रहेंगी। यूनिवर्सल जैसे कि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेका। मेका एक रिलीजियस प्लेस, पिलग्रिमेज प्लेस थी, इंपॉर्टेंट हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसकी तरफ ही ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जो मेहराब है उसकी प्लेसमेंट उसी तरफ होनी चाहिए। प्रेयर निश जिसे कहते हैं वो वही होना चाहिए। दूसरा मिनबार, पुलपिट, ये भी होना चाहिए। हाउएवर कुछ आपको जगह जगह के हिसाब से वेरिएशन दिखेंगे, जैसे कि रूफ का हमने देखा केरला में, हमें दिखा बिल्डिंग मटेरियल, मटेरियल कुछ डिफरेंस हो सकता है जगह के हिसाब से, लेकिन ये फीचर्स की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेका, मेहराब, मिनबार, ये कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं जो होने ही चाहिए। बाकी सब में जगह के हिसाब से चेंज हो सकता है। अब हम कुछ कम्युनिटीज के बारे में देखते हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम बेसिकली रिलीजियस कम्युनिटी को लेबल कर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। हिस्टोरियंस जो कि संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो 8th से 14th सेंचुरी में पॉइंट करते हैं कि जो टर्म मुस्लिम या मुसलमान ये टर्म है ये उस वक्त यूज नहीं की जाती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये बहुत इजीली इन टर्म्स को बोल देते हैं, लेकिन उस वक्त ये यूज नहीं की जाती थी। ओकेजनली पीपल जो जगह से आप आए हैं उस जगह के हिसाब से आपको रीजन के हिसाब से बोलते थे। आप तुर्किश रूलर जो तुर्क से आए उनको तुर्किश तुर्किशा कह दिया, तुर्कशा कह दिया। तजीका ये वो लोग थे जो तजाकिस्तान या परक्षा से आते थे, पराक्षा। अब देखो जो फ्रॉम पर्शिया, तो जो जहां से आ रहा है उस हिसाब से उसको नाम दिए गए। इन सबको आज हम क्या बोल देंगे कि ये इस्लाम फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त प्रॉपर टर्म्स थी जो उन कम्युनिटीज के लिए दी जाती थी। फॉर इंस्टेंस तुर्क्स एंड अफगान्स को शाकास कहा जाता था, जो कि हमने चैप्टर 2 और 3 में भी पढ़ा था कि इन्होंने सेंट्रल एशिया के कुछ एरियाज में रूल किया था। इसी तरीके से हम यवना जो कि हम ग्रीक्स के लिए बोलते हैं, वो भी हम एक प्रॉपर कम्युनिटी का नाम दे रहे हैं, इसमें हम इस्लाम नहीं बोल रहे। अब एक जनरल टर्म जो भी माइग्रेट करता था, माइग्रेंट यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, जो यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सब कॉन्टिनेंट में, उस कम्युनिटीज को मिलाचा कहा जाता था, मेलचा, इंडिकेटिंग कि जो कास्ट सिस्टम है वो नहीं फॉलो करते, वो उनकी लैंग्वेज दूसरी है और वो संस्कृत से नहीं ओरिजिनेट हुई है। कुछ लोग प्रकृत भी बोलते थे, कुछ लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन वो डिराइव संस्कृत से हुई है, इसीलिए उन्हें मिलैचा नहीं किया, मेलचा नहीं कहा जाता था। लेकिन ऐसे लोग जो कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे, जो दूसरी ही भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं डिराइव हुई थी, उन लोगों के रिलीजियस कम्युनिटी अलग थी, तो उन्हें मेलचा कहा गया। लेकिन इन्हें मुस्लिम्स इन ऑपोजिशन टू हिंदूज ऐसा नहीं कहा गया था। डिस्टिंक्ट डिनोमिनेशन और टर्म हिंदू वॉज यूज इन वेराइटी ऑफ वेज। हिंदू टर्म किसी रिलीजियस कोनोटेशन के लिए नहीं यूज होती थी, या जैसे मुस्लिम टर्म है उस वक्त हिंदू टर्म अलग अलग चीजों के लिए एक लार्ज एस्पेक्ट में यूज की जाती थी, और मुस्लिम टर्म तो उस वक्त इसकी जगह माइग्रेंट्स को मेलाचा मेलचा कहते थे, या फिर तुर्क से आए हुए तुर्किश हो गए, या फिर तजीका तजाकिस्तान से आए हुए तजीका कह दिया गया। तो इस तरीके से टर्म्स थी, हिंदू मुस्लिम वाली टर्म्स ये उस वक्त यूज नहीं हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमने इस्लाम का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखेंगे द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। जो सूफीज्म है वो कैसे ग्रो हुआ। हमें पता है कि अर्ली सेंचुरीज में इस्लाम का अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडसेट पीपल वर कॉल्ड सूफीज। अब ये बेसिकली वो लोग हैं जो इस्लाम से रिलेटेड हैं, ये बात हमें पता है, लेकिन इनकी ग्रोथ कैसे हुई, ये कैसे ग्रो हुए, ये अब हम आगे पढ़ेंगे।
लेकिन अब ये हम आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और वो इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, और पहले का सारा पार्ट मैंने जो अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड 15 मिनट्स की क्विक रिवीजन वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हो, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन कर रहे हैं। इसमें हमने भक्ति ट्रेडिशन तो पूरा डिस्कस कर लिया था, अब हम सूफी और इस्लामिक ट्रेडिशन की बात कर रहे थे। इसमें हमने इस्लामिक ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया था, फेथ एंड रूलर्स की, रूलर्स जिस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं उसकी कैसे एक्सपेंशन होती है और कैसे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया। फिर हमने आगे देखा था कि मुस्लिम और हिंदू ये टर्म बहुत इजीली यूज नहीं की जाती थी पहले, और जो तुर्किश हैं, जो तुर्क एरिया से आ रहे हैं उनको तुर्किश बोल दिया, तो जो जिस जगह से आ रहा है उसको वो बोल दिया गया था। फिर हमने इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस और जो 5 पिलर्स हैं ऑफ फेथ वो डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था कि कैसे एक यूनिवर्सल फेथ में जो मॉस्क का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं हर जगह पे, बट बाकी चीज़ों में चेंजेस जगह के हिसाब से हो सकते हैं। और मुस्लिम कोई टर्म नहीं थी, ऐसे मैंने आपको भी बता दिया कि जो तुर्किश रूलर हैं उनको तुर्शका हो गया, तजीका, ऐसे करके जो जिस एरिया से आ रहा है उसको वहाँ का बोल दिया गया। और जो दूसरे जगह से आ रहे हैं, जो संस्कृत नहीं बोलते हैं, जो कास्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, उनको मिलीचा बोल दिया गया। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमने पूरी डिस्कस की थी। अब हम सूफिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ ये हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, या अगर आप हिस्ट्री क्लास 12th के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन बुक से समझना चाहते हैं, तो आपको वीडियो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। तो हम सबको पता है कि इस्लाम ये एक रिलीजन है जिसके पीपल जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनमें से कुछ लोगों को कुछ सूफीज कहे जाते हैं। 1 मिनट। हाँ, जो बेसिकली माना जाता है कि कैलिफेट एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो लोग क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस, जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं उनको लेके बहुत क्रिटिकल हैं, एंड स्कॉलेस्टिक मेथड, कुरान एंड सुना, ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, उनको लेके बहुत क्रिटिकल हैं। कौन? जो सूफी में जो फॉलो कर रहे हैं। अब इस चीज की जगह, ये वाले मेथड की जगह, जो सूफीज हैं दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सेल्वेशन। जो सूफीज हैं उन्होंने कहा कि सेल्वेशन की तरफ फोकस होना चाहिए, लव टूवर्ड्स गॉड। अगर आप कभी भी सूफी म्यूजिक सुनोगे तो उसमें आपको एक लवर की तरह आपको सॉन्ग्स दिखेंगे, क्योंकि वो गॉड की तरफ लव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम में परफेक्ट ह्यूमन बींग कहा जाता है, उनका हिज कमांड एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस चीज का डिवोशन पे एम्फेसिस किया जाता है। किसमें? सूफिज्म में। सूफीज इंटरप्रेट करते हैं कुरान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। जैसे कि यहाँ पे जो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल डॉगमेटिक डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं कुरान में, लेकिन जो सूफिज्म को फॉलो कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुरान को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं, और उसी हिसाब से उसको फॉलो भी करते हैं।
तो इसमें आगे अब हम बात करेंगे खानकाह और सिलसिला। सिलसिला वर्ड ये उर्दू वर्ड है और काफी जगहों पे आपने इसे सुना भी होगा। तो पहले हम खानकाह का पढ़ लेते हैं। 11th सेंचुरी में सूफिज्म एक तरीके से एस्टैब्लिश हुआ, एक बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन द कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस, जो कुरान में जिसमें काफ़ी सारी बातें लिखी गई हैं, इस्लाम में लोग फॉलो करते हैं, उनकी स्टडीज पहली, और दूसरा जो सूफी प्रैक्टिसेस हैं उनको मिला के एक प्रॉपर डेवलप इस्टेब्लिश हो गया। ये इंस्टीट्यूट बन गया, एक तरीके से इंस्टीट्यूशन बन गया सूफीज का, एंड इनकी कम्युनिटी बनने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इनको फॉलो करने लगे सूफिज्म को और इनके आइडियाज को, तो फिर ऑब्वियसली वो ग्रुप बनता जाता है और कम्युनिटीज बन जाती हैं। तो इनकी भी कम्युनिटी बन गई अराउंड द खानकाह। खानकाह ये पर्शियन वर्ड है और हॉस्पाइस भी आप कह सकते हो। जो अब यहाँ पे टीचिंग्स कौन दे रहे हैं, शेख अरेबिक में कहा जाता है, जो मास्टर हैं वो इनको टीचिंग देते थे, या फिर पीर कह सकते हो, मुर्शिद कह सकते हो। मुर्शिद एक पर्शियन वर्ड है, और आपने अगर सूफिज्म में कभी भी सुना हो तो आपने ये पीर मुर्शिद ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। और इनके जो फॉलोअर्स होते थे डिसाइपल्स, उन्हें मुरीद कहा जाता था, कि मैं तुम्हारा मुरीद हूँ, मतलब मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ, तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। और जो ये टीचर्स होते थे इनके फॉलोअर्स को खलीफा कहा जाता था, ठीक है, सक्सेसर्स को, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके बाद आ रहे हैं, सक्सेसर हैं, उन्हें खलीफा कहा गया। तो हमने तीन टर्म्स देखी हैं, ध्यान से देख लो। जो जगह है वो है खानकाह, वहां पे एक मास्टर है, उस मास्टर को कहा गया है, आप शेख कह सकते हो, पीर कह सकते हो, मुर्शीद कह सकते हो, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर सको। तीसरी चीज, जो इन मास्टर के डिसाइपल हैं यानी कि स्टूडेंट हैं, उन्हें मुरीद कहा गया। और अपॉइंटेड एज अ सक्सेसर, जो इन मास्टर के बाद सक्सेसर बनेंगे, उन्हें खलीफा कहा गया। ठीक है, तो जगह का नाम हो गया खानकाह, एक मिनट, जगह का नाम हो गया खानकाह, जो वहां पे मास्टर हैं उन्हें आप शेख कह लो, उनके फॉलोअर या उनके स्टूडेंट मुरीद हो गए, और जो शेख के बाद अब अगला शेख बनेगा या उनका फॉलोअर, वो खलीफा हो गया। तो इनके अपने रूल्स होते थे स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन, क्योंकि ये कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कर रहे हैं, तो इनका अपने खुद के स्पिरिचुअल रूल्स हैं, जो कि एक ले पर्सन और मास्टर के बीच में उनका इंटरेक्शन है, और वो उनके हिसाब से ही उसमें चलते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस या फिर जो उनको कनेक्ट करते हैं बेटर, वो कुरान में उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो सेकेंड एक टर्म आती है, वो है सूफी सिलसिला। सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइज, यानी कि सिलसिला एक टर्म है जो कि आपको इस्लामिक वर्ल्ड में 12th सेंचुरी के अराउंड दिखने लगा। सिलसिला वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है चेन। एक गाना भी था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, उसमें कुछ सिलसिला करके था, तो वो बेसिकली चेन की बात हो रही है। और यहाँ पे वो गाने का मतलब आप छोड़ दो, मेरे को गाना भी याद नहीं आ रहा अब। तो वो सिलसिला, तो वो जो मास्टर हैं और उनके जो स्टूडेंट या डिसाइपल हैं, उनके बीच में एक चेन है, उस चेन या उस सिलसिला की बात हो रही है, और ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल चेन है टू द प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो किस किस के बीच में ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला चल रहा है मास्टर, जिनको हम शेख या पीर या मुर्शीद कह रहे थे ऊपर, उनके और उनके डिसाइपल के बीच में ये सिलसिला चल रहा है, और ये एक अनब्रोकन चेन है विद प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, ये जो पूरा सिलसिला या जो चेन चल रही है। अब माना जाता था कि इसी चेन के थ्रू आप स्पिरिचुअल पावर या ब्लेसिंग्स को एक दूसरे में ट्रांसमिट करते हो। जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि उनके थ्रू वो सिलसिला चल रहा है। सबसे, अगर आप चेन की बात करो, तो चेन में सबसे ऊपर आप किसको रखोगे? चेन में सबसे ऊपर आप प्रॉफिट मोहम्मद को रखोगे। तो एक मिनट, यहाँ पे आए, सबसे ऊपर आ गए प्रॉफिट मोहम्मद। तो अब जब प्रॉफिट मोहम्मद सबसे ऊपर आ गए, इनके नीचे कौन आएगा? मास्टर, या जिसको आप पीर कह रहे हो।
इनके नीचे आएंगे इनके डिसाइपल जो कि मुरीद हैं। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद से ब्लेसिंग मास्टर पे आ रही है और मास्टर वो ब्लेसिंग या वो स्पिरिचुअल पावर अपने डिसाइपल को दे रहा है। तो ये इस तरीके के ये एक सिलसिला है ये पूरा। अब व्हेन द शेख डाइड, शेख यानी कि जो मास्टर है, जब उनकी डेथ हो जाती थी या फिर मुर्शीद कह सकते हो, उनका एक टोम बनाया जाता था। आपने बहुत सूफी सेंट्स की दरगाह सुनी होगी जहाँ पे लोग जाते हैं, तो वो दरगाह एक पर्शियन टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये पर्शियन टर्म है मीनिंग कोर्ट। तो ये उनकी पर्शियन टर्म में टोम या श्राइन बिकेम सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। वो उनके लिए बेसिकली मेन सेंटर ही बन गया दरगाह, ठीक है। और वहां पे लोग आके दूर दूर से दर्शन करने लगे, पिलग्रिमेज हो गए, यात्रा करने लगे, वहां पे जाते थे, जियारत कह सकते हो, उनकी मतलब ग्रेव पे जाना ही जाना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। तो इस तरीके से वहां पे भी पिलग्रिमेज चल गया। और जब उनकी डेथ एनिवर्सरी, जिसको उर्स भी कहा जाता है, या फिर उनकी मैरिज, या कोई भी इम्पोर्टेंट दिन, उसको बहुत अच्छे से वहां पे पर्टिकुलरली उन टाइम में तो लोग ज्यादा वहां पे जाया करते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और माना जाता था कि वो जो सेंट हैं, वो उनकी डेथ नहीं हुई, बेसिकली वो गॉड के साथ मिल गए हैं। यहाँ पे रीबर्थ की बात नहीं हो रही है, बस वो उनसे मिल चुके हैं, इसकी बात हो रही है। अब जो कल्ट्स ऑफ शेख रिवर्ड एज वाली, तो काफी सारे अब आपको यहाँ पे क्लोजर टू हिम जो लोग, जब ये शेख या ये जो मास्टर हैं, जब ये जिंदा थे, तो कुछ लोगों के वो बहुत क्लोज होंगे। तो माना जाता है कि जो उनके क्लोज हैं उनको भी वो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, तो उनकी अच्छाइयाँ आसपास के लोगों ने भी एब्जॉर्ब की या उनको भी वो मिली हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें सिलसिला टर्म और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी या इम्पोर्टेंट टाइम होता था, उस टाइम पे ज्यादा लोग पिलग्रिमेज में जाते थे, ये बातें आपको ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए। अब खानकाह जो वो एरिया है उसके बाहर का, आउटसाइड द खानकाह, तो काफी सारी इंटरप्रेट मूवमेंट शुरू हुई, रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा रेडिकली सूफी आइडियल्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, जो खानकाह जो जगह है उसमें, उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी, मतलब आप शादी नहीं करोगे। उन्होंने रिचुअल्स को इग्नोर करना शुरू किया एंड फॉर्म्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म। तो अब दे वर नोन फॉर डिफरेंट नेम्स, कलंदर, मदिर्स, मलंग, हैदरस। तो ये लोग एक्सट्रीम एस्केटिज्म, और इन लोगों ने सेलिब्रेसी को फॉलो करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने शादी नहीं की। एंड बिकॉज ऑफ इनके जो डेलिब्रेट डिफायंस था ऑफ द शरिया, दे वर रेफर टू एज बेशरिया, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सूफी हु कंपाइल्ड विद इट, उन्हें बाशरिया कहा जाता था। तो ठीक है, अब हमें शरिया में भी आपको दो मिलेंगे, एक है बेशरिया और एक है बाशरिया। जो शरिया के साथ डिफाइंस करते हैं उन्हें बेशरिया कहते हैं, जो कंपाइल करते हैं उन्हें, हु कंपाइल्ड विद इट, उन्हें बाशरिया कहते हैं। तो ये दो तरीके के डिविजन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे चिश्ती, आपने दरगाह सुनी होगी कि चिश्ती की भी दरगाह होती है, तो चिश्ती भी एक सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होने लगे। अब कुछ ग्रुप ऑफ सूफीज जो सूफिज्म को फॉलो करते हैं, वो 12th सेंचुरी के लेट 12th सेंचुरी में इंडिया आए। द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि वो जो यहाँ का लोकल एनवायरनमेंट होता था ना, उसमें बहुत अच्छे से ढल जाते थे, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए और लोग उनकी बातों को मानते थे। तो लाइफ ऑफ चिश्ती खानकाह, अब खानकाह वो एरिया है जो कि सेंटर है ऑफ सोशल लाइफ, यहाँ पे भी लिखा है। तो एक है शेख निजामुद्दीन,
आपने शेख निजामुद्दीन का खान कहा, जो हॉस्पाइस उनका वो एरिया है, वो बहुत आज की डेट में भी लोग वहाँ पे जाते हैं, वो एक पिलग्रिमेज प्लेस है। ये ऑन दी बैंक ऑफ रिवर यमुना इन गियासपुर, अब आउटस्कर्ट्स ऑफ व्हाट वाज देन नोन एज सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ पे कोई भी अगर दूर से आ रहा है रहने या प्रेयर करने तो वहाँ पे रह सकता था। जो लोग आते थे, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स ऑफ दी शेख, इनमेट्स, हिज अटेंडेंट्स और उनके जो स्टूडेंट्स थे, वो सब भी वहाँ पे रहा करते थे। शेख एक छोटे से रूम में रहते थे जो कि रूफ पे था ऑफ द हॉल, एंड वो विजिटर्स को सुबह और शाम को मिला करते थे। और उनके आसपास एक बरांडा था, कोर्टयार्ड जो हॉल तरीके का, और बाउंड्री थी जो बहुत कॉम्प्लेक्स, जो पूरा कॉम्प्लेक्स, जो ए पूरा एरिया है जिसमें रूम्स हैं, हॉल है, उसके आसपास पूरी एक बाउंड्री सी बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त मंगोल इन्वेजन का डर रहता था। इसीलिए आसपास के एरिया से भी लोग, जब भी कोई लड़ाई हो जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था, तो खान का जो ये वाला पूरा एरिया है जहाँ पे रूम्स बने हैं और हॉल है, वहाँ पे आके रिफ्यूजी की तरह रहा करते थे, शरण ले लिया करते थे यहाँ पे। तो ये पूरा आपको खान का चिश्ती के रूम का, शेख निजामुद्दीन के जो पूरे जो ये वहां खान कहा था, उसका पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला, जो सिलसिला अभी हम ये मास्टर की बात कर रहे थे, इसमें जो कुछ मेजर चिश्तीज है, सूफी टीचर्स, ये आपको पता होने चाहिए। शेख मुहियुद्दीन सिस्की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बकदीर काकी, शेख फिदुर गंज ए शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये आपको निजामुद्दीन औलिया तो आपको पता ही होगा, ये मतलब ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट सूफी टीचर्स थे, और इनके भी डेथ के बाद फिर दरगाह बना दी गई एक तरीके से वहां पे। तो ये उनके सूफी टीचर्स के नेम और ये उनकी दरगाह का लोकेशन है। तो इनमें से ये कुछ तो पाकिस्तान में है, जो हमारे दिल्ली में या अजमेर के एरिया में है उनके भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि शेख फियुद्दीन गंज ए शिखर की दरगाह क्या इंडिया में है, तो बोलोगे नहीं, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो ये उनके सूफी टीचर्स के नाम हैं, और भी बहुत से सूफी टीचर्स थे, बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ये उनके नाम थे। अब जो वो पूरा एरिया होता था, जो कहन कहा, वहां पे रिफ्यूजी भी आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो वहां पे एक ओपन किचन यानी कि तरीके का लंगर होता था। अनआस्क्ड चैरिटी, वहां के लोगों से पैसे नहीं ले जाते थे, वो फ्री में एक तरीके से वो लंगर होता था। सुबह से लेकर रात तक कोई भी अगर वहां आ रहा है, चाहे वो सोल्जर है, स्लेव है, कोई उनके सिंगर्स भी होते थे जो एक जगह दूसरी जगह गाते गाते जाया करते थे, कोई व्यापारी है, पोएट, ट्रैवलर, अमीर गरीब, किसी भी रिलीजन का हो, उन सब के लिए ये खाना होता था। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कोई बीमार हैं या हीलिंग के लिए आए हैं, आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं, तो उन सब के लिए भी ये लंगर ओपन था सबके लिए। कुछ पोएट्स, जैसे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विजिटर्स भी आते थे, जैसे अमीर हसन सिजकी या अमीर खुसरो, आमिर खुसरो, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बरानी, एंड ऑल ऑफ होम रोट अबाउट शेख प्रैक्टिसेस। तो ये सब भी वहाँ आया करते थे और उनके बारे में उन्होंने लिखा भी है, और ये प्रॉपरली झुक के उनको एक तरीके से ग्रीट किया करते थे, शेख शेख को, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, जो वहां पे अब रहेंगे, जो योगिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके हेड को शेव कर दिया जाता था। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो वहां पे फॉलो की जाती थी। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, जो शेख की डेथ के बाद सक्सेसर्स होंगे, उनके बाद उनके आइडियाज को कौन स्प्रेड करेगा, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत से सक्सेसर्स भी अपॉइंट किए, और उन्होंने अलग अलग जगहों पे इस तरीके के हॉस्पाइज या खान का, इसके लिए एक उनकी पिलग्रिमेज की जगह उन्होंने अलग अलग जगहों पे भी बनवाई। एज अ रिजल्ट उनकी जो टीचिंग्स, उनके आइडियाज, उनकी प्रैक्टिसेस काफी जगहों पे स्प्रेड हुई, और बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हुई। इसीलिए लोग उनके पिलग्रिम्स टू हिज श्राइन,
वहां पे जहाँ पे वो हैं उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनको देखने, उनसे हीलिंग करवाने के लिए वो बहुत से लोग आया करते थे। और इवन उनकी दरगाह पे भी, उनके बाद भी ना जाने कितने ही लोग पिलग्रिमेज के तौर से वहां जाते थे। चिश्ती, डिवोटिज्म, जियारत और कवाली। अब जो पिलग्रिमेज जो चिश्ती के वहां पे दरगाह पे जा रहे हैं या उनके जिंदा होते हुए जा रहे हैं, उसे जियारत कहते हैं। टू द टोम ऑफ सूफी सेंट, उनके टोम पे, जैसे उनकी डेथ हो गई, उनकी दरगाह है उस पे जब जा रहे हो तो उसे जियारत कह रहे हैं। मतलब बेसिकली उनके जीते जी नहीं, उनके उनकी डेथ के बाद जब माना जा रहा है कि वो गॉड से मिल चुके हैं, उस टाइम की ये बात हो रही है। तो सूफी जो सेंट्स थे, ये मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत प्रेवलेंट और बहुत कॉमन था कि हाँ सूफी स्पिरिचुअल्स हैं। एंड दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन ऑफ सीकिंग सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, बरकत, उनकी ग्रेस मिलेगी आपको। तो उस तौर से लोग पिलग्रिमेज के तौर से वहां जाया करते थे दरगाह पे, और स्पेशली जो 5 ग्रेट चिश्ती जिनका ऊपर हमने नाम देखा, उनकी दरगाह पे सबसे ज्यादा लोग जाते थे और आज भी जाते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन, जिनको पॉपुलरली गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, कम्फर्टर ऑफ द पुअर, अमंग्स देम द मोस्ट रिवर्ड श्राइन, सबसे ज्यादा वहां पे लोग जाते हैं। एंड ये 5 जो हमने ऊपर सूफी चिश्ती देखे, सबसे ज्यादा पॉपुलर टीचर्स, इनकी दरगाह पे सबसे ज्यादा लोग एज अ पिलग्रिमेज जाते हैं। जब हम ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह की बात करते हैं, तो वो 14th सेंचुरी के अराउंड के हमें टेक्स्ट मिलते हैं कि वो उस वक्त ही हैं। एंड पॉपुलरली एन एस्किटी एंड पेटी ऑफ इट्स शेख, द ग्रेटनेस ऑफ इट्स स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, और मतलब जो इनके सक्सेसर्स थे वो भी ग्रेट स्पिरिचुअल थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज थी। और रॉयल विजिटर्स यानी कि जो किंग्स और उनके मिनिस्टर्स वगैरह भी उनके पास आया करते थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उस वक्त के रूलर हैं, तब भी वो उनके पास आया करते थे, तो रॉयल विजिटर्स भी आते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जो किसी सूफी सेंट की श्राइन में आए थे। अर्लिएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जो टोम था, जो दरगाह होती है, वो सबसे पहले 15th सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने ऑफ मालवा ने फंड किया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था टोम, क्योंकि सूफी सेंट्स के पास, वो कोई किंग नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो उनकी डेथ के बाद मोस्टली जो रूलर्स हैं या जो उस टाइम पे पावर में हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वेल्थी लोग हैं, वो उनके टोम्स बनवाया करते थे। उनकी श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड लिंक, जो दिल्ली और गुजरात के बीच का एरिया है, वहां पे लोकेटेड थी, तो काफी सारे ट्रेवलर्स वहां पे अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाया करते थे। उनकी श्राइन 16th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हो गई, वहां पे सिंगर्स होते थे जो वहां पे कवाली वगैरह गाया करते थे, और अजमेर में इंस्पायर्ड अकबर आल्सो उनके टोम में गए थे, और माना जाता है कि वो 14 टाइम्स गए, और कभी कभी एक साल में वो 2 से 3 बार भी वहां पे दर्शन करने गए थे, ब्लेसिंग्स लेने, अपने कोई उनको नए वॉर पे जाना है, लड़ाई करनी है तो उनको जीत मिले, या फिर उन्होंने अपने बर्थ ऑफ सन की, माना जाता है कि उनके सन का बर्थ नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी ब्लेसिंग्स लेने वो उनके पास गए थे। 1580 तक उन्होंने ये ट्रेडिशन कि वहां जाना उन्होंने कंटिन्यू रखा। अपनी हर विजिट पे वो काफी जेनरस गिफ्ट्स दिया करते थे, और ये बातें डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से 1568 में जब वो गए, तो उन्होंने एक देग, बहुत बड़ा सा ऑफर किया था कि कुकिंग के लिए, क्योंकि वहां पे ओपन किचन है तो बहुत सारी कुकिंग हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने वो दिया था। एंड ऑल्सो मॉस कंस्ट्रक्ट करवाई थी विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह। आप इमेजिन कर सकते हो दरगाह कितनी बड़ी होगी कि उसके अंदर ही एक मॉस्क भी कंस्ट्रक्ट करवाई, किसने? अकबर ने। और ये सब बातें ऐसे ही नहीं ओरली कही जा रही हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है कैसे शेख मुगल एम्परर जहांगीर से मिल रहे हैं। तो ये एक पेंटिंग है जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि बड़े बड़े रूलर्स भी शेख से
मिलने जाया करते थे, उनकी ब्लेसिंग लेने जाते थे अपने किसी भी इम्पोर्टेंट काम से पहले। जियारत यानी कि जो पिलग्रिमेज हो रहा है, जो उनके ब्लेसिंग्स के लिए होता है, वहाँ पे म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस होती थी, मिस्टिकल चैंट्स भी की जाती थी, और म्यूजिशियंस अपनी परफॉर्मेंसेस देते थे, कवालीज गाई जाती थी, और सूफीज गॉड को रिमेम्बर करते थे, या तो उनका नाम लेके या फिर उनकी प्रेजेंस को फील करके, समा जिसको कहा जाता है लिटरली ऑडिशन, या फिर म्यूजिक परफॉर्मेंसेस करना। समा वॉज एन इंटीग्रल टू चिश्तीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इंडिजियस डिवोशनल ट्रेडिशन। तो वो एक तरीके से एक डिवोशन ट्रेडिशन है, अपना अपनी भक्ति, अपना डिवोशन शो करने का इंडिजियसली, उस इंटरैक्शन को भी समा कहा जाता है। तो अपने लव को टूवर्ड्स गॉड या फिर टूवर्ड्स देयर चिश्ती सूफी सेंट्स, उसको एक्सप्रेस करने के लिए म्यूजिक, डांस, कवाली, इन सब का, या फिर मिस्टिकल चैंट्स करना, उनका नाम, डिवाइन नेम को जिक्र करना, बार बार उनका रिसाइट करना, ये सब यूज किया जाता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सिर्फ समा में ही नहीं बाकी चीज़ों में भी चिश्तीज ने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि लैंग्वेज आपको किसी से भी बहुत इजीली कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकती है। तो चिश्तीज ने हमेशा, वो जहाँ पे रह रहे थे वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे। जैसे कि दिल्ली में उन्होंने चिश्तीज ने सिलसिला को कन्वर्स करने के लिए, सिलसिला यानी कि जो चेन का, वो अपना पूरा एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने हिंदवी लैंग्वेज यूज की, क्योंकि ये लोकली वहाँ के लोग यूज करते थे उस वक्त। कुछ सूफी जैसे बाबा फरीद ने वर्सेस कंपोज किए लोकल लैंग्वेज में गुरु ग्रंथ साहिब, और काफी लॉन्ग पोएम्स और मनविस जो कि एक्सप्रेस करते थे अपना डिवाइन लव, ह्यूमन लव की फॉर्म में दिखाया जाता था, बट बेसिकली उनका लव टूवर्ड्स गॉड होता था। फॉर एग्जाम्पल, प्रेम अख्यन लव स्टोरी या पद्मावत कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जैसी, ये बेसिकली आपको दिखेगा कि वो एक ह्यूमन की लव को दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उसको दिखा रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस है अपनी गॉड से कनेक्ट करना। जैसे कि ये पद्मावत वाले में ये पद्मिनी और रत्नसेन के बीच की वो एक रोमांस को दिखा रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस इज देयर जर्नी ऑफ डिवाइन, वो अपने गॉड से कनेक्ट करने के लिए उसे यूज कर रहे हैं। पोएटिक कॉम्पोजिशंस, पोएम्स रिसाइट की जाती थी जो खान कुआ उस पूरे एरिया में ड्यूरिंग द समा। तो ये भी जो ट्रेडिशंस यूज, जब ट्रेडिशनल कैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कवाली गाई जा रही है, तो ये आज भी ये सब चीजें होती हैं। सूफी पोएट्री कंपोज होती थी अराउंड टाउन्स, बीजापुर, कर्नाटका। दीज वर शॉर्ट पोएम्स इन धकनी, अ वेरिएशन ऑफ वेरिएंट ऑफ उर्दू। तो ये भी एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफीज थे जो लिव्ड इन दिस रीजन, जो उस एरिया में रहते थे, बीजापुर कर्नाटक वाले एरिया में, कर्नाटका वाले में। तो ये उन सूफी सेंट्स चिश्तीज को डिवोट करते हुए ये शॉर्ट पोएम्स लिखी गई और गाई जाती थी। पोएम्स मोस्टली वुमेन गाया करती थी, अपने जो घर के काम करते हुए वो इन पोएम्स को गाया करती थी। अदर कॉम्पोजिशंस जो लला बाईस जो सोते वक्त बच्चों को सुनाई जाती हैं, या फिर शुदीनामा वेडिंग के टाइम पे गाई जाती थी, उन सब में भी इन्हें यूज किया जाता था। इट इज लाइकली दैट सूफीज जो उस रीजन के थे वर इंस्पायर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन जो वहां पे चल रहा था, क्योंकि कर्नाटक में क्या लिंगायत चल रहे थे एंड मराठी अभ्यंग एंड संस, तो उनसे ही इन्फ्लुएंस होके वहां के प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन को ही उन्होंने यूज किया सूफी सेंट्स ने। और इसी तरीके से धीरे धीरे इस्लाम आपको डेक्कन के एरिया में भी इंक्रीज होता हुआ, गेन होता हुआ देखा, क्योंकि जो सूफीज हैं वो चाहे कुरान को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट वो फॉलो इस्लाम ही करेंगे, वो उनके 5 पिलर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चिश्तीज और सूफी सेंट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, इस्लाम भी धीरे धीरे बढ़ता गया। अब सूफीज एंड जो स्टेट यानी कि जिनके पास पावर है, उनके बीच का एक जो कनेक्शन है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें।
जैसे हमने देखा कि अकबर और बड़े बड़े जो उस टाइम पे पावर में हैं, पॉलिटिकल पावर में हैं रूलर्स, वो भी आ रहे हैं चिश्तीज और टीचर सूफी सेंट्स के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने काम की। तो कैसे एक रिलेशन था और क्या इन्फ्लुएंस था चिश्तीज और सूफी सेंट्स का, ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सूफीज एंड दी स्टेट और इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसके लिए मैं पहले से आपको अवेयर कर दूं और सॉरी भी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो। तो हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि आपका चैप्टर 6 है, इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम क्या-क्या कर चुके हैं। आज ये लास्ट ही पार्ट होगा, हम इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो पोएट्स पोएट सेंट्स होते थे, उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो फॉलोअर्स होते थे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे और जो उनके डिवोटीज होते थे, जो जो उनको फॉलो करते थे, वो उनकी बातों को रिकॉर्ड करते थे जब उनकी डेथ हो जाती थी उसके बाद। ये ऐसे हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का शुरू हुआ था, जिसमें हमने भक्ति के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था। फिर हमने मोजैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स में देखा था कि शिवा, विष्णु और गॉडेस, जो ये मेजर डेटीज हमें दिखने लगे थे और इनकी काफी सारी फॉर्म्स में विजुअलाइज किया जाने लग गया था। जो गॉडेस होती थी वो मोस्टली वाइफ के तरीके से दिखाई जाती थी, जैसे गॉडेस लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, इस तरीके से। और ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ट्राइब्स जो बनाती हैं, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, उसका एग्जाम्पल था। जैसे हमने ये जगन्नाथ का एग्जाम्पल याद है कि इसमें जगन्नाथ जी हैं, उनकी वाई उनकी सॉरी सिस्टर सुभद्रा और उनके जो बड़े भाई बलराम। तो ये वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, ये आज भी वुड का वो वहाँ पे बनाती हैं। विष्णु जी का अवतार माना जाता है इनको। और डिफरेंस एंड कल्ट, इसमें हमने तांत्रिक वर्शिप देखा था कि जो लोग शिव जी को यानी कि शैविज्म फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एक फैक्टर ये था कि ये लोग वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पहले अग्नि, इंद्र और सोम, ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, प्रिंसिपल डेटी थे, लेकिन धीरे धीरे ये मार्जिन पे आ गए और विष्णु, शिवा एंड गॉडेस ये इम्पोर्टेंट हो गए, और वेद की अथॉरिटी हमेशा रही। लेकिन जो तांत्रिक वर्शिप में मानते थे वो वेद को सुप्रीम नहीं मानते थे। पोएम्स, प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, इसमें हमने देखा था कि दो तरीके की भक्ति हमने देखी थी, एक सगुन भक्ति थी और एक निर्गुण भक्ति थी। सगुन भक्ति जैसे कि आप मूर्ति पूजा कह सकते हो, जिसमें आपको एक फॉर्म दिख रही है। निर्गुण भक्ति जिसमें कह रहे हैं कि भगवान हर जगह पे हैं, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान पेड़ में भी हैं, हम में भी हैं, हमारे आसपास हर इंसान, हर एनिमल, हर बर्ड, सब में भगवान है। तो दो तरीके की भक्ति। फिर अल्बर्ट नयनाज ये तमिलनाडु में थे, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विष्णु जी की पूजा करते थे उनको अल्बर्स कहा जाता था और जो शिव जी की करते थे उनको नयनार्स। तो इस तरीके से इसमें हमने कुछ वुमेन के एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि वुमेन डिवोटीज भी थी शिव जी और विष्णु जी की, जो फॉलो कर रही थी उनको। इसके बाद हमने तमिलनाडु से हम आगे बढ़े थे कर्नाटक की तरफ, और वहां पे हमने लिंगायत्स का देखा था, वीर शैवा का, कि जो अपने फॉलोअर्स हैं वो एक लिंग को वेयर करते हैं और अपने शोल्डर पे, यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, लिंग मैन यूजुअली वेयर स्मॉल लिंग, जो कि एक सिल्वर केस, एक चांदी के डब्बे में एक छोटा सा लिंग होता है और वो अपनी लेफ्ट आर्म पे उसको पहनते हैं। अब लिंगायत्स में था कि ये लोग बर्न नहीं करते थे डेड बॉडी को, ये उनको बरी करते थे।
तो इनका जो प्रैक्टिस थी वो धर्मशास्त्र, जो कि धर्मशास्त्र में चैप्टर 4 में भी जो महाभारत वाला चैप्टर था डिस्कस किया था कि सारे रूल्स और नॉर्म्स धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र से निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग उन धर्मशास्त्र धर्म सूत्र को नहीं मान रहे थे। अभी हमने साउथ इंडिया की बात की थी, इसमें हमने तमिलनाडु और हमने कर्नाटक की बात की, अब हम नॉर्थ पे पहुंचे हैं। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त राजपूत रूल कर रहे थे, तो उस वक्त ब्राह्मण्स की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन थी नॉर्थ में, और नए नए जो अथॉरिटी ऑफ वेद हमेशा वहां पे थी। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि 13th सेंचुरी के अराउंड दिल्ली सल्तनत आई, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जो वहां जहां से भी लोग आ रहे थे उनको उस जगह के हिसाब से बुलाया जाता था। तब इस्लाम वर्ड नहीं था, मुसलमान नहीं बोला जाता था उनको। जो तुर्किस्तान से आ रहा है उसको तुर्क बोल दिया, पर्शिया से आ रहा है, जिस जगह से वो आ रहा है उसको उस जगह के नाम के हिसाब से बुलाया जाता था। तब मुसलमान कोई वर्ड नहीं होता था, या इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं ऐसे करके कोई एक वर्ड नहीं था। ये हमने पूरा भक्ति का पढ़ा था, अब हम इस्लामिक ट्रेडिशन पे पढ़ने लगे थे कि जो रूलर्स जो इस्लाम को फॉलो करते थे, वो हमने पढ़ा था कि 711 में जो अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया, जो कि कैलिफ डोमेन का पार्ट बन गया, और धीरे धीरे तुर्क आए, अफगान आए, हमने देखा मुगल एम्पायर तक आते आते इस्लाम काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। वो जो इस्लामिक लॉ है वो शरिया के हिसाब से चलता है, शरिया में रूल्स लिखे हैं, और उल्मा वो होते हैं जो उन रूल्स को गाइड करते हैं, जिन्होंने वो रूल्स पढ़े होते हैं और वो बताते हैं। और रिलीजन में फॉर इंस्टेंस आपको एक टैक्स देना पड़ता था, जो भी हिंदू जैन जो भी उस जगह पे नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था। कुछ रूलर्स ने उन टैक्स को माफ़ भी किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये टैक्सेस देने पड़ते थे अपने रिलीजन के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे। इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस में हमने 5 पिलर्स डिस्कस किए थे, कि पहला तो था कि दैट देयर इज़ वन गॉड अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स जो कि नमाज कही जाती है आपको 5 बार पढ़नी है, गिविंग अल्म्स, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, और आपको पिलग्रिमेज जो कि एक तरीके से आपको यात्रा करनी होगी मक्का हज, जो कि उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो ये 5 पिलर्स हमने डिस्कस किए थे, और इसमें हमने कहा था कि जो इस्लाम के जो अलग अलग एरियाज में उन एरियाज का डिफरेंस भी हमें दिखता है, जैसे कि मॉस्क के बारे में हमने देखा, मस्जिद जो होती है उसमें कुछ मेन चीज़ें होती हैं, जैसे प्लेसमेंट ऑफ मेहराब वो, और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेका, मिनबार, ये कुछ चीज़ें आपको हर मस्जिद में कॉमन दिखेंगी, लेकिन एरिया के हिसाब से कुछ चेंजेस जो आप कह सकते हो कि वेरिएशंस एरिया के हिसाब से भी होते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज़, जैसे मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि हिंदू और मुस्लिम हम ये बहुत आराम से लेबल कर देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये टर्म्स नहीं यूज़ की जाती थी। तुर्किश रूलर्स तुर्काशा, तजीका पीपल जो तजिकिस्तान से आते थे, पर्शका जो कि पर्शिया से आते थे, तो जिस जगह से जो आता था उसको वहाँ के हिसाब से बुलाया जाता था। लेकिन ये सब लोग जहाँ से आ रहे थे वहाँ ये लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, ना ही ये धर्मशास्त्र धर्म सूत्र को फॉलो करते थे, तो इन लोगों को हमारे यहाँ पे मिलीचा बुलाया जाता था, क्योंकि ये लोग वो थे जो हमारे रूल्स और हमारी कम्युनिटी के हिसाब से नहीं कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे, ना ही ये लोग संस्कृत बोला करते थे। धीरे धीरे हमने देखा कि सूफिज्म बढ़ा, सूफिज्म में जो लोग सूफी होते हैं वो लोग कुरान को अपने एक्सपीरियंसेस और अपने उसके हिसाब से कुरान को इंटरप्रेट करते हैं बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो लोग पहले क्रिटिकल होते हैं वो एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड जो कुरान में लिखा है वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जाते हैं, लेकिन जो सूफीज होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुरान को समझते हैं। इसमें हमने खान कहा और सिलसिला पढ़ा था खान का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैं आपको फिर से अंडरलाइन करा देती हूँ, अगर आपने नहीं की तो आप कर लो अभी याद से। एक तो है खानकहा, ये पर्शियन, एक येलो कर लेती हूँ, बहुत डार्क है ये जो जगह है उसको हॉस्पाइस या फिर खानकहा कहा जाता है। ये एक टीचर कंट्रोल करता था जिसका नाम होता था शेख। शेख एक अरब वर्ड है, इनको आप पीर भी कह सकते हो, मुर्शिद भी कह सकते हो।
जो मुर्शिद या पीर को फॉलो करते थे उनके स्टूडेंट थे, एक तरीके से आप कह सकते हो, उनको मुरीद कह दिया कि मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हो गया। और मुर्शिद के बाद, इनकी भी तो डेथ होगी, तो इनके बाद जो सक्सेसर बनेगा उस सक्सेसर को कहा जाता था खलीफा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है और ये जो सक्सेसर बनेगा वो खलीफा। इनके अपने रूल्स होते थे और हिसाब से कंडक्ट, वो रूल्स कंडक्ट किए जाते थे। सिलसिला एक टर्म थी जिसका मतलब होता है चेन, और माना जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद और जो सूफी सेंट है उनके बीच में एक चेन है, और उन्हीं के थ्रू वो चेन आगे उनके डिवोटीज की तरफ भी जा रही है, ब्लेसिंग्स जो पीपल को मिलती हैं। फिर हमने आउटसाइड द खानकाह पूरा वो एरिया है, और कलंदर और अलग अलग डिफरेंट नेम्स से उनको बुलाया जाता था, वो भी हमने देखा था। लाइफ ऑफ अ चिश्ती खान कहा, वो जो एरिया था वहां पे बड़ा हॉल होता था, शेख एक रूफ के ऊपर एक कमरे में रहता था, ये सब हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। ये पांच मेजर सूफी सेंट्स हैं, इनके आप नाम याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू के तौर से भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर ओपन किचन थी, इसमें हमने देखा कि आगे जाके काफी सारे रूलर्स, पावरफुल लोग भी चिश्तीस के पास आया करते थे, तो सुल्तान वगैरह उन्होंने टोम और अलग अलग डोनेशंस दिया करते थे। मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया गया विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह, ये भी अलग अलग रूलर, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जहांगीर अजमेर आए, ये जिस भी आर्टिस्ट ने बनाई होगी, यहाँ पे लिखा है उसका नाम भी, बट बेसिकली आप देख सकते हो कि एम्परर्स और सुल्तान्स वो लोग भी दरगाह आया करते थे, शेख से मिलने या चिश्ती से मिलने वो आया करते थे। तो ऐसे करके पावरफुल लोग भी पिलग्रिम किया करते थे टूवर्ड्स दरगाह। अकबर तो बहुत बार गए थे और इसके रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चिश्ती सिलसिला जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें कन्वर्स किया करते थे। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो है सूफी जैसे बाबा फरीद, इन्होंने कंपोज की वर्सेस लोकल लैंग्वेज, आपको मोस्टली दिखेगा लोकल लैंग्वेज में वर्सेस कंपोज किए जाते थे ताकि आम लोगों को समझ आए, और वही वर्सेस आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टोरीज आपको, अलग अलग कंबाइंड चीज़ें आपको इनमें मिलेंगी, लेकिन ये मोस्टली लोकल भाषा में लिखी जाती थी। यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, अब मैं आपको सूफीज एंड स्टेट, इसके हम यहाँ से अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो चिश्ती ट्रेडिशन था उसमें एक चीज़ जो वो फॉलो करते थे वो थी कि जो दुनिया है, दुनिया गोल बना देते हैं, दुनिया से ना थोड़ा सा दूरी रखते थे और भगवान से थोड़ा नजदीकी रखते थे। वाह 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 वाह। तो मतलब चिश्ती जो सूफीज होते थे वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखते थे दुनिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पॉलिटिकल पावर या वो दीन दुनिया के बारे में कुछ जानते नहीं थे। वो थोड़े दूर रहते थे क्योंकि वो चीज़ उनको सही लगती थी, और उनके ट्रेडिशन के सूफी जो सेंट्स हैं उनका मेन पर्पस होता था कि वो भगवान से जुड़े, तो इसलिए वो थोड़ी सी दूरी रखते थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर में वो आइसोलेटेड नहीं थे, इनके पास पावर भी होती थी। सुल्तान और एम्परर जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो लोग भी इनके पास आते थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास पावर है, इनको काफी सारे अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते थे, जैसे कि रिकॉर्ड्स में हमें दिखा कि दरगाह बनवा दी, या फिर सॉरी दरगाह में एक मॉस्क बनवा दी, या फिर टोम डोनेट कर दिया, अलग अलग चीज़ें डोनेट कर दी जाती थी, तो ऐसे करके। और इनके यहाँ ट्रैवल करने पे टैक्स, एंडोमेंट हॉस्पाइस को, जो वो एरिया है जहाँ पे ये सूफी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको टैक्स फ्री लैंड दे दिया, तो इनको वो डोनेशंस देते थे। और ये डोनेशंस हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये डोनेशंस को रिकॉर्ड किया गया था, कैश और काइंड दोनों तरीके के डोनेशंस वो लिया करते थे जो सूफीज होते थे, क्योंकि उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती थी। जैसे हमने देखा था कि लंगर चलता रहता है, लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो खाना, कपड़े, लिविंग क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, अलग अलग रिचुअल्स भी वो परफॉर्म करते हैं, तो इन सब के लिए भी डोनेशंस उनको मिला करते थे। मॉरल अथॉरिटी ऑफ द शेख,
इन सब चीजों से जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आपके पास पावर भी आ जाती है। तो वही चीज हो रही थी कि धीरे धीरे जो अथॉरिटी थी शेख की, वो भी बढ़ रही थी। और काफी सारे अलग अलग लोगों, लोग जो अमीर गरीब अलग अलग धर्मों के लोग भी शेख की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो किंग्स डू नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज। वो ऐसे ही नहीं कह सकते थे कि वो इस सूफी से जुड़े हुए हैं, उनको लेजिटिमेट फ्रॉम देम। जब तक सूफी नहीं कहता कि ये मेरे से जुड़े हैं, तब तक कोई राजा नहीं कह सकता कि ये सूफी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जब तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत सेटअप किया, सो दे रेजिस्टेड द इंसिस्टेंस ऑफ उलमा। उलमा क्या है? वो स्कॉलर्स होते हैं जिनको शरिया की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो इम्पोजिंग शरिया एज अ स्टेट लॉ, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, तो इसीलिए द सुल्तान देन सॉर्ट आउट द सूफीज जो कि डायरेक्ट अथॉरिटी फ्रॉम द गॉड। ये जो उलमा है, इनकी अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? इनकी अथॉरिटी शरिया से आती है, लेकिन सूफीज की अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? वो गॉड से आ रही है। तो दिल्ली सल्तनत में जब तुर्क्स थे, तुर्क्स को पता था कि यहाँ पे मेजॉरिटी इस्लाम फॉलो नहीं करते, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है, इसीलिए वो शरिया रूल नहीं लाना चाहते थे। तो उन्होंने तब सूफीज की तरफ स्विच किया कि आप, क्योंकि वो अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं शरिया को। हमने शुरू में ही देख लिया था कि डिफरेंस बिटवीन, जब नॉर्मल आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो वो बहुत डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड करते हैं, लेकिन जो सूफीज होते हैं वो डेफिनेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए तुर्क्स उनकी तरफ स्विच हो गए। अब ओलिया कुड इंटरसीड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ ऑर्डनरी पीपल। तो माना जाता था कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गॉड के साथ, या कभी कभी उनको गॉड ही मान लिया जाता था। और तभी दिखता है कि किंग्स ने भी उनके टोम, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनको दफनाया जाता है जैसे कि उनके धर्म में माना जाता है, तो उनके टोम भी किंग्स ने बनवाए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कि सूफी और जो एम्परर या सुल्तान है उनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। कभी कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करती थी, क्योंकि इनके पास भी पावर है और इनके पास भी पावर है। इनके पास पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा है, इनके पास मनी और पावर ज्यादा है। तो क्या होता था कि दोनों अपनी अथॉरिटी, टू एग्जर्ट देयर अथॉरिटी, कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती थी। दोनों एक्सपेक्ट करते थे कि जब राजा एक्सपेक्ट करता था कि उनसे कोई मिले तो उनके सामने झुके, उनके हाथ को किस करे, उनके फीट को किस करे, और सूफी भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि उनके सामने नतमस्तक हो, उनके सामने झुको, उनके फीट को किस करो। तो अब सोचो, जब सूफी और सुल्तान दोनों मिलेंगे तो कौन किसके सामने झुकेगा और कौन किसके फीट को किस करेगा, क्योंकि दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मेरे फीट को किस करो और सुल्तान कह रहे तुम मेरे फीट को किस करो। तो ऐसे करके ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती थी कभी। और सूफीज अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स भी दे देते थे एड्रेस करने के, जैसे डिसाइपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज सुल्तान उल मक्शीक, लिटरली मीनिंग सुल्तान अमंग्स शेख्स। तो ऐसे करके टाइटल देख रहे हो आप कि आपको किंग या फिर जो एम्परर होते हैं उनमें, और कहीं कहीं पे जो सूफीज हैं उनके बीच में थोड़ा सा आपको ना कॉमन दिखेगा। ठीक है, सूफी थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट पड़ जाता है, लेकिन उनके पास भी एक पावर है, उनके पास भी एक अथॉरिटी है, वो भी अपने आप को टाइटल्स दे रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट और सूफीज में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाता था, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हमें ग्रीट किया जाए, तो किंग झुकेगा ना सूफी झुकेगा, तो एंड में क्या हो जाएगा? अपुन झुकेगा नहीं और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें आप देखोगे वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। अब हम कबीर की बात करेंगे, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 14th और 15th सेंचुरी।
वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट्स एंड कबीर के दोहे तो हम सब ने शायद कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कबीर के दोहे ना पढ़े हों। हिस्टोरियंस ने कोशिश की है समझने की कि कबीर की एक्चुअल में जर्नी क्या थी या उनकी ज़िंदगी क्या, मतलब उनकी लाइफ रही, तो उनकी लाइफ को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें काफ़ी सारे आज भी कन्फ्यूजन है। जो कबीर ने वर्सेस लिखे उनको तीन ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कबीर कौन से धर्म को फॉलो कर रहे थे और उनकी लाइफ कैसी थी, तो वो थोड़ा सा आज भी कंफ्यूजिंग है। कबीर बीजक जो है ये कबीर पंथ में प्रिजर्व्ड है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा, और ये वाराणसी में है और बाकी उत्तर प्रदेश और कबीर ग्रंथावली दूध दादू पंथ इन राजस्थान, और मैनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कबीर बीजक कहाँ पे प्रिजर्व्ड है, कबीर पंथ में, द पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर वाराणसी में, एल्सवेयर उत्तर प्रदेश में ये जो है, और कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद दादू पंथ ये राजस्थान में, और मैनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस आदि ग्रंथ साहिब में भी प्रिजर्व की गई हैं। किसकी बात चल रही है? कबीर जी की बात चल रही है। जो ये सारी की सारी बातें हैं ये काफ़ी पहले कंपाइलेशन हुआ था, मतलब इन सब का कंपाइलेशन काफ़ी बाद में हुआ, कबीर जी की डेथ के बाद। देखो 14th और 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड था माना जाता है, और ये कंपाइलेशन हो रहा है, ऑल दीज मैनुस्क्रिप्ट्स कंपाइलेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। तो अब सर्कुलेशन प्रिंट इन रीजन्स बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब वर्सेस वहाँ पे सर्कुलेट हुए। अलग अलग भाषाओं में आपको कबीर जी की पोएम्स मिलेंगी लैंग्वेज में, और कंपोज इन सेवरल लैंग्वेजेस ऑफ निर्गुण पोएट्स। निर्गुणा मतलब वो किसी रूप में बिलीव नहीं करते थे, निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें कोई भगवान हर चीज़ में बिलोंग करते हैं, आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म सगुण भक्ति नहीं कर रहे, आप निर्गुण भक्ति कर रहे हो, निर्गुणा पोएट्स की उसमें आपको मिले हैं। उल्टा बंसी अपसाइड डाउन सेंट्स, ये भी आपको इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड, तो उल्टा करके कुछ ऑपोजिट करके मीनिंग्स देके भी आपको कबीर की कॉम्पोजिशंस मिलेंगी। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन एक एग्जांपल के तौर से आप देखो कि अ लोटस जो कि खिल रहा है बिना विदाउट फ्लावर, तो ये कितना मतलब लोटस कैसे खिल रहा है और वो भी विदाउट फ्लावर, ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो ये थोड़ा सा रिवर्स जिसे आप कह सकते हो उल्टा बंसी है, उल्टी बंसी बजाना, उल्टी बंसी है, उल्टी बात करते हैं। फायर रेंजिंग इन द ओशन, अब ओशन में तो पानी होता है और वहाँ से फायर रेंज हो रही है, तो ये उनका एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस थे, उस हिसाब से वो इसको कंपोज किया करते थे। अल्टीमेट रियलिटी को अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक्सप्रेस किया है, उन्होंने अपनी अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर ये कहा है, और उनके जो टर्म्स हैं वो वैदिक ट्रेडिशन, अलख, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, ब्राह्मण, आत्मन, अदर टर्म्स जो मिस्टिकल कॉन्वेंशन में शब्द, साउंड, शून्य, शून्य मतलब जीरो, एम्प्टीनेस, ये योगिक ट्रेडिशन से निकले। तो अब देखो आप कहीं पे वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, कहीं पे ब्राह्मण्स की बात हो रही है, कहीं पे आप योगिक ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, तो और अलग अलग लैंग्वेजेस में उनकी कॉम्पोजिशंस हमें देखने को मिल रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ये अराइज होता है, आर एक्सप्रेस्ड, तो ये जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये उनकी पोएम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कुछ पोएम्स आपको इस्लामिक आइडिया से मिलेंगी, यूज मोनोथिज्म एंड आइकोनिज्म टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म, कि मुस्लिम में क्या है, एक ही गॉड है, लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, मल्टीपल गॉड है, तो कहीं कहीं पे आपको वो चीज़ अटैक होती हुई दिखती है, आइडियल वर्शिप। अदर सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र या इश्क
जो हिंदू प्रैक्टिस है, नाम सिर्फ नाम, रिमेम्बरिंग गॉड्स नेम, आपको कहीं कहीं पे वो दिखेगी। तो वर ऑल कंपोज्ड बाय कबीर। ये बात हमें कभी भी सर्टेनली, हम श्योरली नहीं कह सकते कि क्या ये सब कुछ जो आज कबीर के नाम पे कंपाइल हो रखा है, ये सच में कबीर ने ही कंपोज किया था। तो क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन, जो कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफी सारे आइडियाज अलग अलग आपको कबीर की कॉम्पोजिशन में दिखते हैं। कहीं पे वो किसी रिलीजन को प्रेस कर रहे हैं, कहीं पे वो किसी और रिलीजन को प्रेस कर रहे हैं। तो उनके जो आइडियाज हैं वो डायलॉग्स और डिबेट्स की फॉर्म में भी आपको दिखेंगे, विद द ट्रेडिशन ऑफ सूफी एंड योगीज इन द रीजन ऑफ अवध, हु रिमेम्बर्स हिम एंड कंटिन्यू टू सो। आज भी उनके ग्रुप्स में उस चीज की डायलॉग्स होते हैं जो कबीर की कॉम्पोजिशंस थी, और उनमें आज भी डिबेट्स होती हैं। अब सबसे बड़ा डिबेट जो होती है वो ये होती है कि क्या कबीर हिंदू थे या मुस्लिम थे बाय बर्थ। ये डिबेट बहुत सारी कॉम्पोजिशंस जो हमें सेंचुरीज में, ओवर 200 ईयर्स आफ्टर द कबीर, उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ टाइम में हमें जितनी भी कॉम्पोजिशंस मिलती हैं, हेजियोग्राफीज विद इन द वैष्णव ट्रेडिशन जो कि विष्णु जी को मानते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि कबीर हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए थे और उनका नाम था कबीर दास। कबीर दास एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेट, बट वो पैदा हिंदू फैमिली में हुए थे, लेकिन उनको पाला पोसा एक मुस्लिम फैमिली ने था जो कि एक वीवर कम्युनिटी थी, जुलाहस, जो कि पहले वो भी हिंदू थे लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम को फॉलो किया था उसने, उन्होंने। तो ही वॉज इनिशिएटेड इंटू भक्ति, और उनके जो गुरु माने जाते हैं कबीर जी के, माना जाता है कि रामानंद उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको भक्ति, निर्गुण भक्ति और ये सब जो ज्ञान था उसमें उनको इनिशिएट किया। कबीर एक वर्ड यूज करते हैं गुरु और सतगुरु, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक नेम को मेंशन नहीं करते। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इस्टेब्लिश करना रामानंदा और कबीर के बीच में कि वो दोनों एक ही टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट किए होंगे, क्योंकि इम्प्रोबेबली लॉन्ग लाइफ्स ऑफ आइदर बोथ ऑफ देम, कि उन दोनों की लाइफ एक की, एटलीस्ट रामानंद और कबीर में से किसी एक की जिंदगी तो काफी लंबी होगी। तो लेकिन हम आज भी एग्जैक्ट ये नहीं डिसाइड कर सकते, तो हिस्टोरियंस के लिए आज भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पूरा हमने कबीर जी के बारे में जाना। अब बाबा गुरु नानक एंड द सीक्रेट वर्ड, अब हम इनके बारे में जानेंगे एंड शायद ये इस चैप्टर का एंड ही है। बाबा गुरु नानक की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं या उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो सुन लीजिए। बाबा गुरु नानक टाइम पीरियड 1469 से 1539, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में बिलोंग पैदा हुए थे। कौन सी विलेज में पैदा हुए थे? ननकापुर साहिब। कौन सी रिवर के पास था? ये रिवर गंगा। लेकिन ये जो एरिया में पैदा हुए थे वो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब, आ इन द प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पंजाब में ये पैदा हुए। ये इन्होंने ट्रेनिंग ली अकाउंटेंट की, पर्शियन स्टडी की, पर्शियन शायद वहां पर उस वक्त लोकल भाषा ज्यादा चलती होगी, या उन्होंने पर्शियन में स्टडी की। इनकी काफी यंग एज में शादी हो गई, और बट फिर भी ये काफी वक्त सूफीज और भक्तास के साथ स्पेंड करते थे, काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे। जो बाबा गुरु नानक अपने मैसेजेस थे वो अपनी हाइम्स और टीचिंग्स मैसेजेस दिया करते थे, और वे ये सजेस्ट करते थे निर्गुण भक्ति की, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, भगवान हर चीज में है। और इस उन्होंने सैक्रिफाइसेस जैसे बकरा काट देना या मतलब बलि दे देना, उन्होंने सैक्रिफाइस करना, किसी भी जानवर का सैक्रिफाइस उन्होंने ये रिजेक्ट किया। रिचुअल बाथ, मूर्ति पूजा, ऑस्किटिसीज, ऑस्टेरिटीज एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, उन्होंने इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। फॉर बाबा गुरु नानक एब्सोल्यूट और रब
मतलब एक रब ही है और रब का कोई जेंडर नहीं है। देख रहे हो आप, यहाँ पे जेंडर बायसनेस की बात नहीं हो रही है, फीमेल और मेल दोनों बराबर है। रब ना ही लड़का है, मेल है, और ना ही फीमेल है। रब का कोई जेंडर नहीं है, हैड नो जेंडर। उन्होंने सिंपल वे एक प्रपोज किया कि आप अपने डिवाइन, अपने रब से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आप उनको याद करो, उनका नाम रिपीट करो, जो कि शब्द कहा जाता है पंजाबी में, और उस वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज में। उन्होंने कहा यही एक तरीका है जिससे आप अपने डिवाइन, अपने रब से जुड़ सकते हो। बाबा गुरु नानक कॉम्पोजिशंस गाया करते थे, वेरियस राग गाया करते थे। वाइल्ड हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबब, तो उनके जो अटेंडेंट थे वो प्ले किया करते थे और बाबा गुरु नानक गाया करते थे। बाबा गुरु नानक ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर ली और उन्होंने सेटअप किया रूल ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, संगत, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसिटेशन। हम रब का नाम कलेक्टिवली, एक साथ हम लोग रब का नाम लेंगे, ठीक है? किसका? एब्सोल्यूट, जो रब है, जिसका कोई जेंडर नहीं है उसका। ये अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिप्लिन, उनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था अंगद, जो कि आगे जाके गुरु बनेंगे, उनके सक्सेसर उनको अपॉइंट किया एज अ प्रिसेप्टर गुरु, कि गुरु नानक देव जी के बाद ये उनके गुरु बनेंगे। तो गुरु नानक देव जी को ऑल्दो ये कोई आइडिया नहीं था कि वो एक नया रिलीजन बनाएंगे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी सारी प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट किया और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों से अलग एक नया रिलीजन बनाया, और जिसका नाम बाद में खालसा, अब आपको आगे पता चलेगा। गुरु अर्जुन ने कंपाइल किया गुरु नानक की सारे के सारे हाइम्स को, और उनसे पहले के जो चार सक्सेसर्स थे, बाबा फरीद, रविदास जिनको हम रायदास के नाम से भी जानते हैं, कबीर, और आदि ग्रंथ साहिब में आपको, जब हमने कबीर के बारे में पढ़ा तब भी हमने देखा था कि आदि ग्रंथ साहिब में इनकी कॉम्पोजिशंस हैं। तो इनके अलावा बाबा फरीद और रायदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है, इनकी कॉम्पोजिशंस और गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशंस आपको आदि ग्रंथ साहिब में मिलेंगी, और इनको गुरबानी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इन हाइम्स को कंपोज इन वेरियस अलग अलग लैंग्वेजेस में। 17th सेंचुरी में 10th प्रेडेसर्स थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने सारे के सारे 9th गुरु तक के चीज़ों को कंपाइल किया, जिनमें गुरु तेग बहादुर एंड दिस स्क्रिप्चर वॉज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। जब औरंगजेब बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, तब उन्होंने एक आर्मी, कि हमारी खालसा आर्मी है जो सबको प्रोटेक्ट करेगी, उन्होंने वो शुरू की थी। इवन अगर आप गुरु गोबिंद सिंह के गाने जानो, तो उनके बच्चों को दीवारों में डाल दिया, चुनवा दिया गया था उनके साथ, पर फिर भी वो अपनी खालसा जो आर्मी थी वो अपना लड़ते रहे गुरु गोबिंद सिंह, और उन्होंने ये खालसा पंथ आर्मी ऑफ प्योर की फाउंडेशन रखी थी। 5 सिंबल्स कहे जाते हैं, अनकट हेयर, आप अपने बाल नहीं काटोगे, आपके पास हमेशा एक डैगर, कृपाण, छोटी सी एक डैगर होगी, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील बैंगल, जिसको कड़ा कहा जाता है। ये 5 सिंबल्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि उन्होंने उस वक्त इनकी फाउंडेशन रखी थी। अंडर हेम अ सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स, इन सब को उन्होंने कंसोलिडेट किया। तो अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे कंपोजिशन को कंपाइल किया 9th गुरु तक, और गुरु ग्रंथ साहिब में सबकी कॉम्पोजिशन हैं, ये कैसे फाउंडेशन ले हुई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। मीराबाई अ डिवोटी प्रिंसेस, तो 15th से 16th सेंचुरी के बीच में एक वुमेन पोएट, जो कि हम सबको शायद पता ही है कि जो कृष्ण जी को फॉलो करती थी, मीराबाई, ये एक वुमेन पोएट थी जो कि भक्ति ट्रेडिशन फॉलो करती थी। इनकी बायोग्राफीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड, जो वो भजन गाती थी उनसे हमें पता चला है। पहले ये ओरल थी बहुत टाइम तक, फिर बाद में हम ये कंपोज की और रिटन थी। तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा लाइफ के बारे में जाने, तो मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी फ्रॉम मेरता, जो कि मेरवार में है।
वो एक उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको उनकी शादी कर दी गई थी एक सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से, जो कि राजस्थान की एरिया की बात चल रही है ये। शी डिफाइंड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया एंड उन्होंने जो ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ है या एक मदर है, उन्होंने उसको नहीं फॉलो किया। इंस्टेड वो बस कृष्ण जी और उनकी भक्ति में थी, अवतार ऑफ विष्णु जिनको कृष्ण जी को माना जाता है, वो उनकी लवर के तौर से अपने आप को देखती थी। उनके इन लॉज ने माना जाता है उनको जहर देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो महल से भाग गई और वो एक सेंट की तरह एक जगह से दूसरी जगह बस अपना जो इमोशन अपना लव था वो सॉन्ग भक्ति के कृष्ण जी के लिए गाती रहती थी। कुछ ट्रेडिशंस ये भी मानते हैं कि उनके जो गुरु थे वो रायदास थे, जो कि एक लेदर वर्कर थे। तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो जो सोसाइटी सिस्टम है कि क्षत्रिय अपर कास्ट लोअर कास्ट, वो उस चीज को भी डिफाई कर रही थी। और उन्होंने जो पैलेस में अपने हस्बैंड के इतने कंफर्ट से उन सबको छोड़ दिया और उन्होंने एक ऑरेंज या फिर व्हाइट कलर का एक रोप सी पहन दी थी, जिन्होंने उन्होंने पूरी दुनिया को रिनाउंस, उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया था। तो ऑल्दो मीराबाई के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हमें नहीं दिखते कि उन्होंने किसी ग्रुप को अट्रैक्ट किया हो, लेकिन उनके जो सॉन्ग्स थे वो वुमेन और मेन आज भी गाते हैं और पुअर जो कि लो कास्ट है गुजरात और राजस्थान की फैमिलीज में ये गाया जाता था फॉर सेंचुरीज। जो भी उन्होंने भक्ति सॉन्ग गाए, भक्ति जो उनके भजन जो वो कृष्ण जी के लिए गाया करती थी वो गाए जाते थे घरों में, बहुत उनके उन भजन के लिखने के ना जाने कितने साल बाद भी वो गाए जाते थे नॉर्मल घरों में। तो जो ये रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस को काफ़ी अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज जो रिलीजियस ट्रेडिशंस के हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर स्टोरीज, रिलीजियस गुरुज की कॉम्पोजिशंस, मेन और वुमेन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन, ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है और उसके बाद जाके उनको ये सब चीज़ें वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं हिस्ट्री को। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से आपको ये सोर्सेज मिलेंगे। डायरेक्ट लैंग्वेजेस ऑफ वचनांश जो कि बसवना ने लिखा, जो कि फरमान ऑफ जैसे फरमान ऑफ मुगल एम्परर, हर टेक्स्ट को समझने के लिए आपको एक अलग स्किल चाहिए और उस भाषा की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्शियन हो संस्कृत हो, आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए और उस लैंग्वेज को आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हिस्टोरियंस की वो क्या लिखा जा रहा है। तो आज हमने भक्ति और भक्ति पढ़ दिया था पहले ही, अब हमने सूफी ट्रेडिशन पढ़ा, फिर हमने कबीर जी के बारे में जाना, फिर हमने गुरु नानक देव जी के बारे में समझा, उसके बाद हमने मीराबाई के बारे में जाना और हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में कैसे सब चीज़ें वर्क कर रही थी। तो ये चैप्टर भक्ति सूफी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे आपको पार्ट्स तमिलनाडु में अलवर नयनार दिख रहे थे, कर्नाटका में आपको वीर शैवा जो कि लिंगायत, सॉरी वीर शैवा कह रही हूँ, लिंगायत दिख रहे थे। तो आपको अलग अलग फॉर्म्स दिख रही थी हर जगह पे। नॉर्थ में जब ब्राह्मण्स का कंट्रोल चल रहा था तो वहाँ पे साउथ में एक भक्ति मूवमेंट चल रही थी और हर चीज़ के जो भी लोग डोनेशंस दिया करते थे उनके भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, और जो पोएट सेंट्स होते थे उनकी बातें तब शायद ओरल होती थी लेकिन बाद में उन्हें रिकॉर्ड करा जाता था। तो ये था पूरा चैप्टर भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो। तो कोई भी अगर डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार वीडियो दोबारा से देखो, ताकि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो ये था आपका चैप्टर भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन, मिलूंगी मैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड प्लीज अगर नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।